मेरी बच्चा पार्टी वेलकम टू कैसे हैं आप सब मुझे पता है कि आप सब बहुत 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 अच्छे हो कैसे हाँ क्योंकि आपके कमेंट्स देख के पता चला हम्म इतने अच्छे अच्छे प्यार प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो हाँ बच्चा पार्टी जिंदाबाद राइट हम्म और बहुत से बच्चों के कॉमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है कि वो मतलब अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिस तरीके से आप कमेंट्स में बात करते हो कि हमको ये करना है हमको वो करना है हमको नीट की तैयारी करनी है तो हाँ ये क्लास नीट के लिए भी है प्लीज आप कोई भी डाउट मत रखो हम्म ओके तो बच्चा पार्टी मैं हूँ विचारता आपकी बायोलॉजी टीचर और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर मानव जनन के बारे में हम्म मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा रिव्यू लेते हैं ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअली में हमको यहाँ पढ़ना क्या है ठीक तो आपको कहीं नहीं जाना है फटाफट अपनी सीट की बेल्ट को बांधो और कस के बांधना ताकि हिल ना सको बिल्कुल भी हम्म चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी और देखते हैं ओवरव्यू तो हमारे ओवरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज एक ही टॉपिक है अंड जनन यानी कि उजन जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है ठीक है और इसको आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू व्यू लेते ओवरव्यू नहीं, रिकैप लेते हैं, हम्म, कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था फटाफट फ़ड़ कमेंट्स में बताओ मुझे देखना है कि आपको याद है या नहीं याद है कि हमने क्या पढ़ा था फ़ड़ तो बच्चा पार्टी क्या पढ़ा था हमने हमने बात कर रही थी स्तन स्तन ग्रंथियों के बारे में हाँ, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स मेमोरी ग्लैंड्स जहां पर हमने इसका डायग्राम बना के देखा था राइट हम्म उसके बाद हमने क्या देखा था भाई गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस के बारे में ठीक है पूरा नहीं लिखा है गैमेटो लिखा है पूरा नहीं लिखा है कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने क्या लिख दिया ये ठीक इसके बाद हमने देखा था जेनेसिस ठीक है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने देखा था ठीक है ये तीन चीजें हमने वहां कवर करी थी हम्म अब वहां पर हमने क्या बात करी थी लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि हमने देखा था कि शुक्र जनन के बारे में हमने वहां पढ़ा था कि जो शुक्राणु का जनन कैसे होता है ठीक है कहाँ होता है और क्या क्या चीजें हैं ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम्म आज हमको किसके बारे में बात करनी है आज हमको फीमेल बॉडी के बारे में बात करनी है एक मादा के बारे में बात करनी है कि वहां पर ये जो अंडजनन होता है ठीक है क्या है क्या प्रोसेस है कैसे होता है बहुत सारी चीजें ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर आप अच्छे से यही दिमाग लगा के पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा सीखने में नहीं दिमाग लगाओगे नहीं आएगा सिंपल सी चीजें ठीक है थीके? और इसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये हमारी फीमेल बॉडी है इसको समझना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमारे बॉडी में आखिर चल क्या रहा है ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अंडजनन यानी कि ऊजेनेसिस ठीक है तो सबसे पहली बात कि भाई ये होता क्या है हम्म, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंडजनन होता है ये क्या होता है परिपक्व परिपक्व अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होती है हाँ परिपक्व अंडाणु निर्माण की जो क्रिया है क्या बोलेंगे उसको अंडे जनन यानी कि ऊजनेसिस बोलेंगे ठीक तो अभी तक हमने क्या बात करी थी अभी तक हमने बात करी थी भाई कि शुक्र जनन जो होता है ठीक है शुक्र जनन की क्रिया हम्म हमने अब तक इसको देखा था ठीक है किसमें होती है शुक्र जनन की क्रिया नर में होती है ठीक है ठीक है अब हम जानते हैं कि नर में क्या होता है शुक्राणु बनते हैं ठीक है क्या बन रहे हैं शुक्राणु बन रहे हैं ठीक है शुक्राणु का निर्माण हो रहा है ठीक लेकिन ये जो प्रोसेस था ये जो क्रिया थी इसका टाइम क्या था एक्चुअली कि ये जो प्रोसेस हो रहा है कौन सी एज में आके हो रहा है तो चौदह साल की उम्र में ठीक है जब वो अपनी मेच्योरिटी पे आता है अपनी प्यूबर्टी पे आता है ठीक है लिख देती हूं अपनी प्यूबर्टी पे आता है ठीक है प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आता है अपनी तब हो रहा होता है कैसे होता है कि भाई हाइपोथेलेमस हाइपोथलेमस जो होता है थैलेमस का जो लेवल होता है ठीक है इसका जो लेवल होता है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है ठीक इंक्रीज हो गया ठीक अब जब इंक्रीज हो गया तो क्या होगा तो भाई जब ये इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है एक होती होते यानी कि पीयूष ग्रंथि हम्म पीयूष ग्रंथि ठीक है ये पीयूष ग्रंथि है क्या करता है इसके ऊपर असर करता है ये ठीक है ये इसके ऊपर असर करेगा तो ये क्या करेगी पीयूष ग्रंथि ये वहां पर क्या बनाएगी एलएच बनाएगी और दूसरा एफएसएच ठीक है और ये सारी चीजें हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तो ये चीजें मैं नहीं बताऊंगी आपको कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज दोबारा जाइए लिंक को ओपन कीजिए अच्छे से पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों चीजें क्या थी वहां पर हम्म फिर आप बोलते हो मैम क्लास लेंदी हो गई है लंबी हो गई है इसीलिए ठीक है चलो बच्चा पार्टी फिर यहां क्या हो रहा है भाई ये जो हाइपोतेलेमस का लेवल इंक्रीज हुआ तो इसने क्या किया पीयूष ग्रंथि के ऊपर असर डाला ठीक है हमारे हमारी ग्लैंड के ऊपर मतलब लड़कों की जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर असर डाला तो वहां से क्या हुआ एल और एफ बन गया अब क्या होता है कि भाई एक एक लड़के में और एक लड़की में और लड़की ये जो होता है ना जैसे लड़कों में क्या हो रहा है कि भाई शुक्राणु बनने का और जो लड़कियों में जो अंडाणु बनने का समय होता है ना बहुत अलग अलग होता है मतलब नेचर ने बहुत खूबसूरती से दोनों चीजों को इस तरीके से बनाया कि एक लड़की के शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आगे चल को आगे चलकर इसको एक बच्चे को जन्म देना है हम्म तो उसकी प्रिपरेशन कब से शुरू हो जाती है जब से वो पैदा भी नहीं होते हैं ढंग से तब से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है समझ रहे हो आप लोग मतलब इमेजिन करो कि जो ह्यूमन बॉडी है कितनी प्यारी है Creature ने को कितना प्यारे तरीके से बनाया है अगर आप इस चीज को समझोगे तो हम्म अभी आगे बताऊंगी आप समझना आप खुद बोलोगे ठीक है तो चलो ये सब बेसिक चीजें हमने क्या पढ़ ली कि भाई ये सब क्या था हम अभी तक हमने देखा था ठीक है कि ये ये चीजें हो रही थी ठीक ठीक है अब अगर हम अंड जनन की बात करते हैं हम्म तो अंड जनन क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है अंड जनन क्या है यानी कि जेनेसिस क्या होता है ये डिफर होता है मतलब अलग होता है ठीक है किससे डिफर होता है ये शुक्र जनन से ठीक ये किससे अलग है शुक्रजनन से बिल्कुल अलग होता है ठीक है इसका टाइम भी बिल्कुल अलग है टाइम भी अलग है ठीक है हम्म प्रोसेस भी अलग है और इसका टाइम भी अलग है ठीक है ये जो अंड जनन है इसका प्रोसेस भी अलग है शुक्रजनन से ठीक है और इसका टाइम भी अलग है दोनों में बहुत डिफरेंस है ठीक है तो इन चीजों को लेके कंफ्यूजन मत रखना ठीक अगर हम जनन की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ये फीमेल की बॉडी में होता है ठीक है ये हो हो रहा रहा है है एक फीमेल बॉडी में हो रहा है। मतलब मादा के शरीर में जो क्या कौन सी मादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है ठीक है ये वहीं पे शुरू हो जाता है प्रोसेस ठीक है चलो चल के देखते हैं हाँ आगे बढ़ते हैं इसको बढ़ाते हैं ओके okay, ये क्या है देखो ये हमारी फीमेल बॉडी है हम्म इसके अंदर क्या है देखो इसके अंदर छोटा सा बच्चा है हम्म ये बच्चा कौन है यहाँ पर एक फीमेल बेबी है ठीक है क्यों फीमेल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें एक लड़की के बारे में जानना है कि उसमें जो ऊंचने जेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कब शुरू होती है तो भाई ये प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाती है यहीं से जब वो अपनी माँ के पेट में होता है ठीक है बच्चा जो लड़की अपने माँ के पेट में होगी तो वहां पर ये जेनेसिस की यानी कि अंड जनन की प्रोसेस यही पे शुरू हो जाती है समझ रहे आप कहा था ना मैंने कितना अमेजिंग है बहुत है बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो हम्म ठीक है तो यहां क्या हो रहा है जो अंड जनन की प्रोसेस है वो कहां शुरू हो रही है फीमेल बॉडी में यानी कि मदर की बॉडी में हो रही है ठीक है ये प्रोसेस कहा हो रही है देखो एक फ्लो चार्ट में समझो इसको ठीक है चलो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है मदर की मदर की बॉडी में हो रही है ठीक है अब यहां पर क्या है यहां पर ये क्या है ये भ्रूण अवस्था में है ठीक है यहां पर ये क्या है बच्चा भ्रूण अवस्था में है अपनी माँ के पेट में ठीक है तो हम क्या लिखेंगे कि जो बच्चा है हम्म जो बेबी है वो कौन से फेज में है वो है भ्रूण अवस्था में भ्रूण अवस्था में है वो ठीक है अब यहां पर जो टाइम है किसका यहां पर टाइम है अंड जनन ठीक है ये जो अंड जनन का प्रोसेस होता है वो इसी भ्रूण अवस्था में शुरू हो जाता है सोचो ये जो अंडजनन की प्रोसेस है इसी भ्रूण अवस्था में शुरू हो जाती है ठीक है आ रही समझ में आपको हम्म कि ये अंध जनन की प्रोसेस कहां शुरू हो रही है भ्रूण अवस्था यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में थी सोचो मतलब कब से एक लड़की तैयारी करती है हुँ? कि ठीक है उसके शरीर को पता है कि आगे चल के मुझे एक बच्चे को कैरी करना है तो उसका प्रिपरेशन इतनी पहले से कि जब वो बच्चा सोचो ठीक से बना भी नहीं होता है तब शुरू हो जाता है हम्म ठीक है अब यहां क्या होता है ये टाइम जो होता है ये जो टाइम होता है ठीक है जब ये जो टाइम होता है ये जो अवस्था होती है क्या कहलाती है ये तो ये कहलाती है भ्रूणीय भ्रूणीय परिवर्धन ठीक है ये भ्रूणीय परिवर्धन का टाइम होता है ठीक है ये वाला जहां पर भ्रूण अवस्था में ये अंडजनन बन रहा है ये कौन सा टाइम है भ्रूणीय परिवर्धन कहलाता है ठीक है ओके okay. अब यहां पर क्या है कि ये जो बच्चा है वो क्या है संतति है ये जो लड़की है संतति है किसकी अपनी मां की है अपनी मां की संतति है यहां पर ठीक है ओके यहां पर इतना ठीक है ठीक है अब क्या होता है देखो जो भ्रूण होता है ठीक है अगर हम बात करें कि जो भ्रूण है ठीक है ये भ्रूण कहा है हा तो अगर भ्रूण की बात करें तो भाई एक भ्रूण में भ्रूण का है अपनी माँ के पेट में ठीक और उस भ्रूण में क्या है ओवरी है ठीक है हम इसको ऐसे समझते हैं इसमें क्या है ओवरी है ठीक है कितने नंबर में दो नंबर में एक इधर और एक इधर है ना ऐसा ही है ना हम्म अब ये जो ओवरी है इस ओवरी के अंदर क्या होता है हा ये जो ओवरी है इस ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा अंड जननी कोशिकाएं मिलेंगी इसके अंदर ठीक है क्या मिलेंगी अंड जननी कोशिकाएं ठीक है जिनको हम क्या बोलते हैं उगोनिया सेल्स बोलते हैं ठीक है क्या बोलेंगे उ गोनिया सेल्स ठीक आप ये जो उगोनिया सेल्स हैं ठीक है ये जो उगोनिया सेल्स है ये आगे चल के क्या करेंगे डिविजन का प्रोसेस करती हैं। मतलब डिवाइड होती रहती है विभाजन होता रहता है इनमें लगातार ठीक है क्या कर रही है ये विभाजन कर रही है ठीक है ये विभाजन कर रही है और ये विभाजन की वजह से क्या हो रहा है यहां पर विभाजन की वजह से यहां पर हो रहा है भाई अंडाणु का निर्माण ठीक है क्या हो रहा है अंडाणु का निर्माण हो रहा है यहाँ पे यहां तक क्लियर सबको फिर से बता देती हूँ कि जो भाई भ्रूण कहाँ है अपने माँ के कोख में ठीक है थीके? उसके वॉम्ब में वॉम्ब बोल सकते हो उसको ठीक है इसको, क्या मदर वॉम्ब ठीक है जो एक क्या बोलते मेडिकल टर्म क्या बोलेंगे हम मदर वोम्ब बोलेंगे ठीक है तो वो कहा अपने मदर वोम में है ठीक भ्रूण मतलब एम्ब्रियो ठीक है तो ये जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर क्या दो ओवरी होती हैं ठीक है थीके? अब ये जो अभी दो ओवरी मालूम है ना क्या होता है ओवरी हम्म अंडाशय ठीक अब ये दो होती है कि भाई कैसे होती है मैंने बताया था ना इस तरीके से स्ट्रक्चर होता ही है ये ऐसे करके है ना तो एक इधर होती है और एक इधर होती है है ना तो ये क्या है दो ओवरी एक और दो ठीक है अब इस ओवरी में क्या होता है अंड जननी कोशिकाएं यानी कि उगोनिया सेल्स होती हैं इसमें ठीक अब ये जो उगोनिया सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है विभाजन होता रहता है लगातार डिवीशंस होते रहते हैं ठीक है अब उस विभाजन की वजह से क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है ठीक है यही सब प्रोसेस अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं ठीक है ओके चलो आगे बढ़े हम्म चलो आगे बढ़ते हैं हम्म अब हम बात करेंगे बच्चे के जन्म से पहले के समय के बारे में ठीक है बच्चे के जन्म से पहले जन्म से पहले कि वहां पर एक्चुअली में क्या प्रोसेस हुई है ठीक है अब यहां पर क्या हुआ है भ्रूणी परिवर्तन ठीक है ये हमने पढ़ा था ठीक क्या पढ़ा है यहां पर हमने भ्रूणीय परिवर्धन ये एक शब्द पढ़ा था ये वो टाइम था इस टाइम में क्या हो रहा था हम्म इस टाइम में देखो फिर से चलते हैं भ्रूण अवस्था थी जहां पर अंडजनन बन रहा था हो रहा था ठीक है उसे क्या कहा था हमने उस टाइम को भ्रूणीय परिवर्तन कहा था ठीक है ओके okay, तो यहां पर भ्रूणीय परिवर्तन एक टाइम है अब इस भ्रूणी परिवर्तन में क्या है हा अंड जननी कोशिकाएं ठीक है अंड जननी कोशिकाएं अंड जननी कोशिकाएं है।, है ना जिनको क्या बोला था हमने अंड जननी कोशिकाएं उगोनिया सेल्स ठीक है ये क्या होंगी भाई ये टू एन होंगी करेक्ट बिल्कुल ओके चलो कलर चेंज करते हैं फिर अब भ्रूण परिवर्धन के दौरान क्या होता है कि ये जो अंड जननी कोशिकाएं होती हैं इसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन हो गया ठीक लो जी यहां क्या हुआ समसूत्री विभाजन हुआ इस संसूत्री विभाजन ने क्या बना दिया इसने बनाया प्राथमिक अंडक का निर्माण हुआ यहां पर प्राथमिक अंडक का निर्माण हुआ इससे ठीक आई समझ में कि भाई ये जन्म से जन्म से पहले की बात है कि जन्म से पहले क्या हो रहा है भ्रूणी परिवर्तन का समय हमने बात करी अभी वहां पर क्या हो रहा है अंड जननी कोशिकाएं हैं जो में हैं, है ठीक अब इनमें क्या हो रहा है समसूत्री विभाजन हुआ ठीक है समसूत्री विभाजन होने के बाद प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया यहाँ पे प्राथमिक अंडक क्या होता है चलो वो लिख वो लिख लो प्राइमरी ऊसाइट अच्छा यही लिख देते हैं चलो प्राइमरी साइट ठीक है ये हो गया ओके ये क्या हुआ प्राइमरी ऊसाइट हो गया अब क्या हो रहा है भाई ये तब तक ये क्या करेगा ये जो प्राइमरी उइट है यहां पर क्या होगा यहीं पर बना देते हैं चलो अब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा यहां पर ठीक है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन ठीक अर्धसूत्री प्रथम विभाजन थोड़ा लंबा बना देते हैं इसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी ना ताकि अर्ध सूत्री प्रथम ठीक है प्रथम विभाजन ठीक है यहां पर हो रहा है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन लेकिन यहां पर ये जो विभाजन है यहीं पर रुक जाएगा इससे आगे नहीं बढ़ेगा ये क्यों नहीं बढ़ेगा क्या रीजन है इसका बताओ कि भाई यहां पे चलो समसूत्री तो हो गया हम्म। लेकिन ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन क्यों रुक गया यहाँ पर हम्म बताओ बताओ क्यों रुक गया कौन सा कलर उठाया जाए ओके तो भाई ये यहां पर रुक जाता है ठीक है रुक जाता है ये यह यहां से आके विभाजन नहीं होता है ठीक है ये यह यहीं पर रुक जाएगा कब तक रुक जाएगा वो भी देखो कब तक रुक जाएगा भाई जब तक जन्म नहीं हो जाता ठीक है जन्म नहीं होता तब तक ये क्या करेगा रुका रहेगा ठीक है तब तक ये यहाँ पे रुका रहेगा अब इसकी स्टेज क्या है कि ये कहां पर होता है अर्धसूत्री जो है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन ये कहां पर हो रहा है तो भाई अच्छा सेम कलर हो गया है तो कहाँ होता है ये हो रहा है हमारा प्रोफेस प्रोफेस वन में ठीक है प्रोफेस वन की डिप्लोटिन में डिप्लोटिन फेज में डिप्लोटिन स्टेज में ठीक है अब चलो ठीक है, ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन यहीं रुक गया अब क्या होगा हम्म, अर्ध सूत्री विभाजन प्रोफेस वन की डिप्लोटिन स्टेज में हो रहा है ये भी ध्यान रखना ठीक है कहां हो रहा है ये? प्रोफेस वन की डिप्लोटेन स्टेज में हो रहा है ठीक है लेकिन यहां पर बात यह है कि भाई ये यह यहां रुक गया है ठीक है और तब तक रुका रहेगा जब तक कि लड़की का जन्म नहीं होता लड़की का जन्म नहीं होता तब तक ये रुका रहेगा उसके जन्म के बा बाद ये काम करेगा ठीक है ना ओके अब अब क्या होगा भाई तब तक ये क्या काम करेगा हाँ तब तक ये क्या करेगा दूसरा काम करेगा दूसरा काम क्या है तब तक तब तक ये क्या करेगा कहा लिख दे चलो यहां लिख देते हैं ये दूसरा काम करेगा कौन सा है दूसरा काम हां कौन सा है दूसरा काम पुटक का निर्माण करेगा ठीक है पुटक का निर्माण ठीक है कहा चारों ओर ठीक है कोशिंग के ओर क्या करेगा ये पुटक का निर्माण करेगा ठीक है समझे कैसे करेगा हाँ चलो समझते हैं अच्छा ठीक है हमने क्या हमने क्या बात करी थी कि भाई हमने चलो कहा देखे, देखे? देख ले छोटा सा हाँ चलो हमने क्या बात करी थी कि भाई ये अंडाशय का भाग है ये क्या है अंडाशय का भाग है हमने ये बात करी थी अब इस ये क्या है अंडाशय भाग ठीक है अब इस अंडाशय में क्या था इस अंडाशय में यहां पर इस तरीके से जो था यहां पर ये क्या था ये मेडुला था हाँ क्या था ये मेडुला मेडुला में क्या होता है रक्तवाहिनी तो होती है मेडुला में क्या होता है रक्तवाहिनी तो ठीक है बाकी यहां बाहर क्या था यहां ये खाली स्पेस जो था ये क्या है ये क्या है कॉर्टेक्स है ये क्या है ये कॉर्टेक्स ठीक है ये क्या है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स में क्या है अंड जननी कोशिकाएं इसी कॉर्टेक्स में क्या मिलेंगी आपको अंड जननी कोशिकाएं मिलेंगी ठीक है इसमें क्या मिलेंगी अंड जननी कोशिकाएं ठीक है थीके? इसमें आपको चलो अंडजननी कोशिकाएं मिल गई अब ये जो अंड जननी कोशिकाएं हैं इसमें क्या होगा अंडाणु का निर्माण होगा ठीक है क्या होगा इसमें अंडाणु का निर्माण हो जाएगा ठीक है अब मैं यहां लिख नहीं रही हूं बहुत ऊपर है मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा ठीक है इतनी

ठीक है चलो हाँ तो ये ग्रीन कलर क्या है हमारा कॉटेक्स है जिसमें क्या है अंड जननी कोशिकाएं हैं जहां अंडाणु का निर्माण हो जाता है ओके यहाँ चलो अंडाणु का निर्माण हो गया है अब ये जो कॉटेक्स होता है ना ये जो कॉटेक्स की सेल होती है क्या करती है ये ये जो कॉटेक्स होता है ना ये अपने चारों ओर क्या करता है सेल्स को इकट्ठा कर लेता है ठीक है ये बताया ना चारों ओर क्या कर रहा है ये चारों ओर बाहर सेल्स को इकट्ठा कर लेता है बाहर ऐसे 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 करके ये क्या कर रहा है अपने चारों ओर इकट्ठा कर रहा है ठीक है और इसको क्या कहेंगे हम सेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं तो पुटक यानी कि ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है पुटक का निर्माण कर रहा है ठीक है ये क्या है ये जो ब्लू 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 है ये क्या है पुटक का निर्माण हो रहा है ये जो ब्लू ब्लू बाहर दिखाया है ना वो ठीक है अब लड़की जब तक क्या होती है कि भाई किशोर अवस्था में नहीं आती है ठीक है जब तक लड़की किशोर अवस्था में नहीं आती यानी कि तेरा से चौदह वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंचती है तब तक क्या होता है उसके अंडाशय में कुछ और ही काम चल रहा होता है भाई वहां कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी होती है सो तो जो लड़की अः बच्चा जब पेट में था तो क्या वो शुरू हो गया बनना वहां पे ठीक है अंड जनन की जो क्रिया थी वो वही पे शुरू हो गई है ठीक अब जब बच्चा बाहर आ गया है ना शरीर से तो ये क्या हो गया स्टॉप हो गया देखो यहाँ पर ठीक है ये क्या था ये वाला हिस्सा जब वो अपनी माँ के पेट में थी ये हिस्सा वो है ये हिस्सा क्या है अब यहाँ पर जब लड़की अपनी माँ के पेट से बाहर आ गई है ठीक है तो इसीलिए रुक गया है ये काम यहाँ पर हम्म ठीक है ओके तो वहां पे कुछ और ही काम चल रहा होता है जो कि उसके जन्म के बाद शुरू होता है हम्म तो फिर जब यहाँ पे क्या होता है ना ये जो अपने ये जो प्राथमिक अंडक का निर्माण हो रहा है यहाँ पे करोड़ों मिलियंस से जो है वहां पे क्या होता है करोड़ों और मिलियंस के नंबर में क्या होता है ओवरी क्या बोलते हैं वो ठीक <laughs> है ये बहुत ज्यादा नंबर्स में यहाँ पर क्या होता है एक्स मौजूद होते हैं ठीक है थीके? जो अंडे होते हैं ठीक है थीके? एक मादा के शरीर में बहुत ज्यादा मतलब करोड़ों में मिलियंस के संख्या में ये मौजूद होते हैं शरीर में सोचो मतलब कितना एक, एक सा बच्चा होता है ना हाँ उसके शरीर में सोचो कितने सारे होते हैं है ना अमेजिंग है ना सोचना भी वाओ ठीक लेकिन बात यह कि जब वो शरीर से बाहर आ जाती है ना ठीक है बच्चा शरीर से बाहर आ गया लड़की बाहर आ गई शरीर से तो क्या होता है तो वहां पर कितनी रह जाती है सिर्फ सिक्सटी से एजेंडी टू एंड साठ से अस्सी हजार ठीक है साठ से अस्सी हजार ओवरी में ठीक है हर एक, एक ओवरी में, में कब उसके जन्म के बाद लेके जन्म से पहले कितनी है मिलियंस है और ये कब है उसके जन्म के बाद है करेक्ट बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं ना हम्म ओके चलो ठीक है फिर अभी आगे बढ़ते हैं हाँ चलो अब हम क्या बात करते हैं ठीक है हमने क्या देखा हमने क्या देखा कि भाई ये क्या था क्या था ये हम्म जिसके बाहर पुटक का निर्माण हो रहा था हाँ क्या था आ, कौन सा कलर उठाए कॉर्टेक्स की सेल में क्या होता है ये ये क्या था हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट था ठीक है अब कॉर्टेक्स की सेल में क्या हो? अच्छा मैं लिख देती हूं पहले फिर समझना देखो जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है कड़ी काम कोशिका ये मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जिनको क्या कहते हैं हाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको सेल्स, ठीक है ये मौजूद होती हैं, ओके अब जब हमने क्या बोला था कि भाई इस तरीके से होता है ठीक है और ये अपने बाहर क्या करता है आवरण बना लेता है ठीक है ये अपने बाहर क्या कर रहा है आवरण बना रहा है किसका ग्रेनुलर सेल्स का ग्रेनुलर सेल्स का क्या है आवरण ठीक है इसके बाहर ठीक है ओके चलो आवरण हो गया अब क्या होगा इसमें इसमें क्या होता है हुँ? ये क्या अपना प्राथमिक अंडक है ये ठीक है ये क्या है प्राथमिक अंडक है जिसमें क्या हो रहा है कि ये कणिकाएं जो कोशिकाएं इसके बाहर है ठीक है अब प्राथमिक अंडक को क्या बोलते हैं हम प्राइमरी उस बोलते हैं इंग्लिश टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है याद रखिएगा फिर आप बोलोगे कुछ बोलते हैं मैम इंग्लिश में बताओ कुछ बोलते हैं हिंदी में बताओ इसीलिए मैं दोनों में बता देती हूं अब याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है कि इसको कैसे याद रखना है ठीक है चलो अब क्या होता है यहां पर आ, यहां पर क्या हुआ कि भाई ये जो बाहर ये जो बना है ना आवरण ये क्या कहलाएगा प्राथमिक प्राथमिक पुटक ठीक है प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी ठीक है क्या कहलाएगा ये प्राथमिक पुटक, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा ये जो बाहर आवरण बना है ठीक है ये जो आवरण बना है और ये आवरण किससे बना हुआ है ग्रेन्यूलोज सेल से बना हुआ है ठीक है थीके? ओके अब ये आगे चल के देखो कैसा बन जाएगा थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको दिखाई दे। देखो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आगे चल के ऐसे करके ठीक है ये क्या हो गया अपना प्राथमिक अंडक हो गया ठीक है अब प्राथमिक अंडक के बाहर क्या है हमने क्या बोला अच्छा दूसरे कलर से दिखाते हैं ये क्या है ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये ठीक है नाम भी लिखते जाते हैं समझते रहना आप अंदर क्या है ये प्राथमिक क्या ये प्राथमिक अंडक है ये ठीक है अब ये ब्लू ब्लू क्या है ये हाँ क्या है ये ओके तो बताइए क्या कहलाता है ये हाँ ये कहलाएगा हमारा न, ये क्या है कणिका में कोशिका ठीक है यानी कि ग्रेनुलसा लेयर ठीक है ओके अब यहां पर क्या होता है भाई यहां पर इस कणिका में कोशिका में क्या होता है बहु खंडन होता है ठीक है बहु खंडन हो गया इसके अंदर ठीक है बहु खंडन की क्रिया हो गई और बहुत बार हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर? इसके बाहर एक लेयर बन जाती है ठीक है इसके बाहर ये एक लेयर बन गई ऐसे करके ठीक है इस लेयर को क्या नाम दिया गया इस लेयर को बोला थिकस स्तर या थिकस लेयर स्तर जिसको क्या बोल सकते हैं हम प्रावरक ठीक है लेयर बोल लो स्तर बोल लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सेम है ठीक लेकिन 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 एक और चीज कि ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बना है ना ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना है ये क्या कहलाएगा अपना याद रखना ये कहलाएगा द्वितीयक द्वितीयक पुटक ठीक है जिसको क्या कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल ठीक है ओके ये कहलाया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल कहलाया लेकिन 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 यहां पर अभी भी एक ट्विस्ट है और कौन सा ट्विस्ट है बताओ बताओ जल्दी बताओ कौन सा ट्विस्ट है अरे भाई यहां पर अभी ट्विस्ट ये है कि जो प्राथमिक पुटक था ठीक है ये जो प्राथमिक पुटक था यहां पर अभी भी जो अर्धसूत्री प्रथम था ठीक है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन था वो यहां पर अभी भी रुका हुआ है, है ना चलो इसको हम अगले पेज पे समझते हैं कि भाई प्राथमिक पुटक के बारे में ठीक है यहां पर ये जो प्राथमिक पुटक है यहां पर हमारा अर्धसूत्री विभाजन हुआ था ठीक है अर्ध सूत्री विभाजन कौन सा फर्स्ट वाला ठीक? पर ये क्या गाड़ी इसकी अभी भी यहीं पर रुकी हुई है ये यहीं पर अभी स्टॉप हुआ है कब तक स्टॉप रहेगा जब तक कि एक लड़की तेरह से चौदह वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचती है तेरह से चौदह वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचती है ठीक है उसके बाद क्या होगा ये जो प्रोसेस है फिर से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है क्या हुआ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अब जब ये प्रोसेस यहां पे स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चा तो क्या होगा ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है ठीक है देखो ये क्या हो रहा है दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है एक तो ये छोटी सी सेल हो गई अपनी ठीक और एक क्या है ये बड़ी सेल हो गई है ना अब ये जो छोटी वाली सेल है ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी ध्रुवीय ध्रुवीय कोशिका है ना जिसको क्या बोलेंगे पोलर सेल पोलर बॉडी भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो बड़ी वाली है ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी अपनी द्वितीयक द्वितीयक पुटक द्वितीयक अंडक ठीक है यानी कि क्या बोलेंगे इसको सेकेंडरी ऊसाइट ठीक है क्या बोला इसको सेकेंडरी ऊसाइट लेकिन यहां पर फिर से एक और ट्विस्ट आ जाता है घूम फिर के घूम फिर के इस कहानी में इतने ट्विस्ट आ गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ट्विस्ट में कहानी है या कहानी में ट्विस्ट है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ही चल रहा होगा ना मेरे दिमाग में कि मैडम ट्विस्ट पे ट्विस्ट बोले जा रही है बस आ गया है तो आ गए तो क्या कर सकते हैं अब सुनना तो पड़ेगा लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि भाई जब भी दो कोशिकाएं बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि दोनों इक्वल होती हैं है ना बराबर होने चाहिए लेकिन यहाँ पर एक छोटी और एक बड़ी क्यों है बताओ बताओ क्यों है अरे भाई क्योंकि जो भ्रूण का निर्माण होता है ना वो यहाँ होता है ठीक है जो यहां हो रहा है तो इसको क्या चाहिए इसको एक परफेक्ट सेल होना है ठीक है इसको क्या मांगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूं तभी मैं परफेक्ट काम कर पाऊंगा हम्म तो इसको क्या चाहिए इसको जो भ्रूण होगा उसको अच्छे तरीके से पोषण देना होगा इसको पोषण से भरा हुआ होना है ठीक है तो इस वजह से इसके पास ज्यादा माल होना चाहिए ठीक है ये क्या करते है ये इससे भी ले लेता है कि भाई मेरे पास तो ये जो है अच्छी चीज आ रही है तो तू भी दे दे, दे अपना हिस्सा हम्म क्या होता है ना कि घर में अगर तीन भाई बहन है हु? तो सबसे बड़ा वाला जो होगा क्या करेगा सबसे छोटे वाले को दे देगा अपनी चीजें है ना कि भाई तू प्यारा है तो तू ले ले और क्या करेगा जो बीच वाला भाई या बहन होगा उसको क्या करेगा कि भाई तू भी छोटे को दे दे ऐसा ही होता है ना कि वो छोटा है तू भी दे दे उसको तो ये क्या करता है जब इसके अंदर क्या बनना होता है भ्रूण बनना होता है ठीक है इसके अंदर भ्रूण बनना होता है ना तो ये अपना समान तो इसको दे देता है साथ साथ इससे भी कहता है कि तू भी दे, भी दे तू भी दे उसको तभी वो अच्छा बनेगा ठीक है तो यहां पर ये सीन है इसका ओके ना हम्म तो यहां पर ये सब तो चलो क्लियर हो गया अब चलो अभी तक हमने किसकी बात करी प्राथमिक पुटक की बात करी थी हम्म अब किसकी बात करेंगे हम अब ये जो प्राथमिक अंडक है ठीक है प्राथमिक अंडक से क्या बना द्वितीयक अंडक तो अब प्राथमिक अंडक से हम कहा जाएंगे द्वितीयक अंडक पे जाएंगे प्राथमिक बन गया था ये द्वितीयक बन गया है अब हम इसको आगे लेके जाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस करता है ये ठीक है ध्यान से देखना बिल्कुल हिलना नहीं इधर से उधर वरना एक भी अगर लाइन छोटी ना स्किप हो गई तो यहां से नीचे आ जाएगा सीधे आपका एरोप्लेन उड़ जाएगा सीधे ऊपर से है एरोन कैसे उड़ता है ऊपर से जाता है ना सीधे ये भी ऐसे ही जाएगा बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल स्टेप स्टेप चलते रहो बिल्कुल इधर ना ना उधर सीधे इधर चलो तो अगर हम दित्तिक पुटक की बात करते हैं चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ठीक है ओके okay. तो अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं ठीक है हाँ चलो यहां पर हम किसकी बात करेंगे द्वितीय पुटक की बात करेंगे पुटक ठीक है इसकी बात करेंगे यहां पर हमने क्या देखा था कि भाई इस तरीके से क्या था ये क्या था प्राथमिक अंडक था हमारे पास हा प्राथमिक अंडक था ठीक है अब इस प्राथमिक अंडक के बाहर हमने क्या देखा था यहां पर हमने देखा था कि इस तरीके से लेयर थी बहुत सारी कोशिकाएं जमा हो गई थी क्या कहा था हमने इसको ग्रैनुलोसा ग्रैन्यू लोसा, सेल्स यही कहा था अब विभाजन की वजह से यहां क्या हुआ था यहां पर एक लेयर बन गई थी थिकल थिकल, यहां पर एक क्या बन गई थी थिकल लेयर या, या स्तर ठीक है ये बन गई थी ये बन गई थी अब यहां से क्या होगा देखो यहां से ये कहा जाएगी अभी देखना कि भाई सबसे अंदर ये हमारे पास क्या है द्वितीयक अंडक है ये ठीक है इसको लिखते चलते हैं साथ साथ ये क्या है द्वितीयक अंडक ठीक है द्वितीयक अंडक आ गया हमारे पास यहां प्राथमिक अंडक था हमारे पास यहां हम द्वितीयक अंडक की बात कर रहे हैं अब इस अंडक में क्या होगा अब यहां पर इसके बाहर कौन सी सेल्स होंगी अंडक में ग्रैनुलोसा है ना ग्रैनुलोसा होंगी तो चलो ग्रैनुलोसा लिख देते हैं ग्रैनुलोसा लेयर, ठीक है इसके बाहर क्या हो गई ग्रैनुलोसा लेयर हो गई ग्रैनुलोसा लेयर में क्या हुआ भाई कि इसके बाद कौन सा कलर उठाए इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर ये जो थिकल स्तर था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ठीक है ये क्या हुआ भाई दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक तो ऐसी लेयर बन गई ठीक है ये जो अंदर की तरफ लेयर बनी इसको क्या बोला हमने इसको बोला थिक आ, इसको क्या बोला हमने थिकल थिकल इंटरना इंटरना ठीक है इंटरना मतलब क्योंकि ये अंदर थी ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ एक तो ये थिकल इंटरना बन गई और दूसरी क्या बन गई भाई यहां पर एक और लेयर बन गई इसके बाहर ठीक है इस तरीके से एक और लेयर बन गई अब ये जो लेयर बनी इसको क्या बोला हमने थिकल एक्सटर्ना बोला ठीक है एक तो इंटरना हो गई और ये क्या हो गई थिकल एक्सटर्ना एक्स, ओके ठीक है जी ये बन गई और ये दोनों कब बनती हैं जब ये किस में आता है तृतीय पुटक में आता है ये लेयर तब बनती है हुँ? और इस लेयर के साथ साथ एक और चीज होती है कि भाई यहां पर एक लेयर जुड़ जाती है कौन सी इस तरीके से लेयर जुड़ गई एक ठीक है इस लेयर को क्या बोला हमने इस लेयर को बोला हमने जोना पैल्यू सिडा ठीक है, जोना हम्म, अब यहां पर एक खाली जगह बच गई ठीक है कहा लिखे इसको यहां पर ये जो खाली जगह बच गई इसको क्या बोला गुहा या फिर एंट्रोमा ठीक है ये हो गया तो ये जो स्ट्रक्चर बना किसने बना ये बना हमारे ये किसने बना तृतिक किसने बना तृत्यक पुटक में ये क्या कहलाया तृत्यक पुटक कहलाया ठीक है तृत्यक पुटक मतलब टर्शरी टर्शरी फॉलिकल ठीक है ना ओके okay, चलो ये भी हो गया अब इसके बाद क्या होता है ये जो टर्शरी फॉलिकल है यानी कि तृतीय पुटक है ये क्या करता है ये ग्राफी पुटक में चेंज हो जाता है किसमें चेंज हो गया ये ग्राफी पुटक ठीक है में बदल जाता है ठीक है ये क्या करता है ग्राफी पुटक में बदल गया ये

ओके, okay. लेकिन ये कहां पर शुरू होगा स्टॉप तो ये हो जाएगा यहां पर ये जो था ये क्या होगा ये यहां पर स्टॉप हो जाएगा ठीक है स्टॉप हो जाएगा और कहां पर वेट करेगा ये एक फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में वेट करेगा ठीक है कहा चलो ऐसी बता देती हूँ कि ये कहां पर वेट करता है किसका जब एक फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाते हैं शुक्राणु जाते हैं ठीक है तो ये उनका वेट करता है ठीक है पहुंचेंगे, स्पर्म पहुंचेंगे तो ये वहां पर एक्टिवेट हो जाता है समझ रहे हो कि पहले, सबसे पहले बना फिर स्टॉप हुआ अर्धसूत्री पहले फर्स्ट में ठीक है अब यहां पर जब अर्धसूत्री सेकंड हुआ कहां पर हुआ मेटाफेस में हुआ हम्म अर्धसूत्री सेकंड कहा हुआ मेटाफेस में हुआ तो वहां पर ये फिर से स्टॉप हो जाएगा और कब तक स्टॉप रहेगा फिलोपिन ट्यूब में जब तक कि उसको स्पॉम्स नहीं मिल जाते अगर स्पॉम्स मिल जाएंगे तो क्या होगा ये फिर से डिवीजन स्टार्ट कर देगा और स्पॉम्स नहीं मिले तो वहीं पर ये खत्म हो जाएगा ठीक है डेड हो जाएगा ये वहां पर करेक्ट बिल्कुल ओके okay. चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और ग्राफियन पुटक की बात करते हैं यहां पे जो हमने बोला है कि तृतीय पुटक जो है ग्राफियन पुटक में बदल जाता है तो चलो देखते हैं कि ये क्या होता है हम्म तो यहां पर हमने क्या बात करी कि सबसे अंदर क्या है भाई ये क्या है हमारा हाँ द्वितीय पुटक क्या रहा ये हमारा द्वितीय दूर लिखते हैं द्वितीय पुटक ठीक है इसके बाहर यहां पर ये ऐसे 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 सिक्स नहीं है ये ये गोल 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 बना रही हूं मैं ये सिक्स मत समझ लेना इसको ये क्या है ये जो थी क्या थी ये क्या थी ये हाँ ये थी हमारी ग्रैनुलसा सेल्स ठीक है ग्रेन या उसकी लेयर्स ठीक है ग्रैनू लोसा लेयर या सेल ठीक है ओके अब इसके बाहर क्या होता है ना एक और लेयर बन जाती है मैंने बताया था हा इसके बाहर जब एक और लेयर बनी यहां पर तो उस लेयर को क्या नाम दिया भाई इस लेयर को हमने क्या नाम दिया इसको बोला हमने जोना पेल्यूसिडा ठीक है जोना पेल्यूसुडा अब इस जोना पेल्यूसुडा के बाद एक और लेयर बनी यहां पर ठीक है इसके बाहर एक और लेयर बनी लो एक और लेयर बन गई इसको क्या बोला हमने इसको बोला हमने कोरोना कोरोना रेडिएटा क्या बोला है इसको कोरोना रेडिएटा बनना ये कौन सा वो कोरोना वायरस वाला कोरोना मत समझ लेना ये कोरोना रेडिएटा उससे भी पहला है ठीक है कोरोना वायरस बाद में आया है लेकिन ये कोरोना रेडिएटर पहला है ये वायरस नहीं है ये यहाँ पर क्या है लेयर है एक ठीक है अब इस कोरोना रेडिएटा के बाहर एक और लेयर पाई जाती है ठीक है इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है लो भाई एक और लेयर है इसको क्या बोलेंगे हम हाँ एंट्रम गुहा एंट्रम गुहा ठीक है ओके चलो जी एंट्रम गुहा हो गई अब इसके बाहर एक और लेयर है थिकल कलर ही खत्म हो गए हैं फिर से व्हाइट यूज करना पड़ रहा है यह लेकर कहलाएगी थिकल इंटरना ठीक है क्या कहलाएगी ये थिकल इंटरना ठीक और सबसे बाहर फिर से एक और लेयर पाई जाएगी सबसे बाहर एक और लेयर पाई जाएगी ठीक है इसको आप हमारा सोलर सिस्टम समझ लेना, कि मैम ने सोलर सिस्टम बना दिया है और ये अलग अलग प्लैनेट्स के नाम है नहीं वैसे ऐसे आप याद भी कर सकते हो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो ठीक है सबसे बाहर जो पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी थिकल एक्सटर्नल ठीक है ओके तो बेसिकली ये होता है हमारा हम्म अच्छा यहां पर अब आप एक चीज और याद रखना कि जो फीमेल होती है ना हम्म वो जब किशोर अवस्था में आती है मैं यहां लिख देती हूँ जो फीमेल है वो जब किशोर अवस्था में आती है किशोर अवस्था में आती है ठीक है जब वो वहां आते हैं तो क्या होता है वहां पे वहां जो हॉर्मोन्स होते हैं हाँ हॉर्मोन्स क्या होते हैं इंक्रीज होता है ठीक हॉर्मोन इंक्रीज हुआ कौन सा हुआ एल एच ठीक है ये इंक्रीज हुआ ठीक है फिर क्या होगा जैसे ये इंक्रीज होगा ना वैसे ही ग्राफी पुटक क्या होता है फट जाता है जैसे ये इंक्रीज होगा जो ग्राफी पुटक होगा ये क्या होगा फट जाएगा ठीक है जो ग्राफिक पुटक होगा वो फट जाएगा जैसे ही इसमें एल एच हॉर्मोन क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और जैसे ही ये फट जाएगा उसके बाद क्या होगा हाँ, द्वितीयक द्वितीयक जो होता है द्वितीयक अंडक द्वितीय अंडक होता है ये क्या करता है अलग अलग कलर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है किसने पहुंचा फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंड वाहिनी में पहुंच जाता है ठीक है और ये जो द्वितीय अंडक फेलोपियन ट्यूब में पहुंच रहा है इसको क्या बोलते हैं हम हम्म इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवलेशन ठीक है क्या बोला ओवलेशन यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम अंडोत अंडोत सर्ग क्या बोला इस प्रोसेस को हमने जो दितक अंडक फेलोपियन ट्यूब में पहुंच रहा है मतलब हिंदी में? ओके? तो बेसिकली ये सब ये था मुझे उम्मीद है कि इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई नहीं हुई होगी आप लोगों को और होनी भी नहीं चाहिए हम्म ठीक है चलो ओके आगे बढ़े देखो आपकी एनसीआरटी में दिखाया हुआ है इसकी हेल्प से समझो कि रुधिर वाहिकाएं हैं ठीक है थीके? जिसको क्या बोला था हमने मेडुला मेडुला में होती है ना रुधिर वाहिकाएं ब्लड वेसल्स है ना अब या, इसके बाद क्या हुआ देखो ये प्राथमिक पुटक बना यहां पर ये बना प्राथमिक पुटक ठीक है ये प्राथमिक पुटक बना फिर यहां ये क्या बना द्वितीय पुटक यहां पे बना ठीक है उसके बाद से ये तृत्यक पुटक बना देखो यहाँ पर ये बना यहाँ पर है ना इसके बाद देखो ये तृत्यक पुटक किसमें बदलता है ग्राफी पुटक में बदलता है देखो यही बात कर रही थी ना हमने अभी कि किसमें बदल रहा है हा यहां देखा था हमने कि भाई तृतीय पुटक किसमें बदला है ग्राफी पुटक में है है ना हम्म देखो ये यहाँ बदल गया ठीक है उसके बाद हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होगा ये जब हॉर्मोन बढ़ जाएगा है? बढ़ जाएगा तो क्या होगा ये क्या होगा फट जाएगा है ना ये देखो फट गया यहाँ से और ये अंडाणु बाहर निकल गया हम्म ठीक है ओके तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है स्ट्रक्चर इसको आप देख लीजिएगा हम्म ये बनाने के लिए सच बताऊं तो आ जाता है कभी कभी डायग्राम में कि इसको बनाओ और समझाओ ठीक है ओके चलो अब देखते हैं ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं तो ये हमसे बोल रहे हैं कि ये जो अंड जनन है ठीक है हम इसकी बात कर रहे हैं ये वो क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है हमने अभी देखा कि भाई अंडाणु बन गया था जब वो फटके बाहर आ गया था ठीक या फिर कह सकते हैं मादा युग्मक उत्पादन की प्रक्रिया जो अंड जनन के रूप में जाना जाता है या फिर वो प्रक्रिया जहां पर मादा युग्मक का क्या हो रहा है उत्पादन हो रहा है हम्म यह प्रक्रिया मादा शिशु के भ्रूणी अवस्था में शुरू हो जाती है मैंने बताया था ना कि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है बच्चा तो शुरू हो जाती है तथा यौवन अवस्था में पूर्ण होती है ठीक है एक अंड जननी कोशिका से केवल एक ही परिपक्व अंडाणु बनता है एक महीने में सिर्फ एक ही बनेगा अगले महीने में दूसरी से बनेगा तीसरे महीने में फिर पहली वाली से बनेगा पेज जन के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है ठीक है क्योंकि वहां क्या बताया था जो अर्धसूत्री विभाजन था वो क्या होता है अर्धसूत्री प्रथम रुक जाता है इसीलिए इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था वन ठीक है यानी कि प्रोफेज वन में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है रुक जाती है बताया था इन्हें प्राथमिक अंडक कहते हैं हमने बात करी थी प्राइमरी ओसाइट्स की है ना उसके बाद हर एक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिका की परत से आवृत होती है इन्हें हम प्राथमिक पुटक कहते हैं जो बाहर बताया था कि सर्किल सर्किल बन जाता है है ना खूब ये सारी इकट्ठी हो जाती है सेल्स वही इस प्रक्रिया द्वारा इन पुट, पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक नष्ट होते रहते हैं ठीक है इसीलिए र के समय एक अंडाशय में केवल साठ से अस्सी हजार प्राथमिक पुटक बताया था कि साठ से अस्सी हजार प्राथमिक जाते हैं पहले मिलियंस में होते हैं हैं करोड़ मिलियंस में होते, में होते हैं। फिर क्या सिक्सटी से एट्टी थाउजेंड रह जाते हैं ठीक है आह ये भी गिर गई स्लाइड यह प्राथमिक पुटक कणिका का कोशिकाओं के और अधिक परतों के आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए नए प्रावरक यानी कि थीकल स्तर से गिर जाते हैं जिसे द्वितीय पुटक कहते हैं याद आ गया हम्म यह द्वितीय पुटक जल्दी ही तृतीय पुटक में बदल जाते हैं देख लिया था हमने जिसकी तरल से भरी हुई भरी हुई गुहा को एंट्रम कहते हैं हमने वहां एक गुहा की बात करी थी जिसको हमने क्या कहा था एंट्रम यह इसका विशिष्ट लक्षण होता है ठीक है प्रावरक स्तर यानी कि थीका लेयर जो होता है अंतर प्रावरक यानी कि थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक ठीक है मतलब ये क्या हो गया अंदर की और ये क्या हो गया बाहर की ठीक है उससे बना हुआ होता है हम्म जो थीकल स्तर होता है थीकल लेयर तो मैंने बताया था दो में दो लेयर का होता है ठीक है पहला थीका इंटरना और दूसरा थीका एक्सटर्ना यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि तृतीय पुटक के अंदर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है हम्म और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है ठीक है ये एक आसान विभाजन है जिसके फलस्वरूप वृहट ठीक है वृहट अगुणित द्वितीय अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय की संरचना होती है हमने बताया था वहां पे दो कोशिका बनती है एक छोटी और एक बड़ी या उसी की बात हो रही है ठीक है द्वितीय अंडक प्राथमिक अंडक के पोषण पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म की, साइटो की मात्रा को संचित करता है स्टोर करता है वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं अभी ठीक है कि एक्चुअली में क्या है तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक यानी कि ग्राफी पुटक में बदल जाता है हमने बात करी थी कि तृतीय अंडक क्या है ग्राफी पुटक में क्या हो रहा है बदल रहा है ठीक है द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे हम पारदर्शी अंडावरण यानी कि जोना पेडोसिडा ठीक है जोना पेलोसिडा कहते हैं ओके okay, ये भी हमने बात करी थी अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीय अंडक यानी कि अंडाणु को क्या करता है अंडाशय में मोचित कर देता है इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन कहते हैं जो लास्ट में हमने यही पढ़ा था और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे खत्म भी हो गया हम्म तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई आतर्व चक्र जो होता है ये किस में पाया जाता है ये किस में पाया जाता है हुँ? जल्दी से बताइए ये किस में पाया जाता है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किन में पाया जाता है तो भाई हमारी बुक में क्या दिया हुआ है हम्म अगर आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको यह टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी स... बहुत ही सिंपल शब्दों में पे दिया प्राइमेट्स में ठीक है में पाया जा रहा है यह प्राइमेट्स में अब सवाल आता है कि प्राइमेट्स क्या होते हैं ठीक है ठीके? क्या होते हैं प्राइमेट्स अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ प्राइमेट्स क्या होते हैं तो क्या बोलोगे तो भाई प्राइमेट्स में क्या है आपके बंदर आ गए हाँ फिर क्या आ गया कपी आ गए और क्या आ गए मनुष्य ठीक है ये किस में आते हैं ये हमारे प्राइमेट्स में आते हैं हम्म ये हमारे प्राइमेट्स में आते हैं ठीक है ओके तो इनमें क्या होता है भाई ये जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें ट्वेंटी एट डेज का एक साइकिल होता है ट्वेंटी एट डेज का साइकिल होता है एक okay. ओके तो यहां पर क्या होता है इस साइकिल में ये जो ट्वेंटी एट डेज का साइकिल है ना इसमें क्या हो रहा है इसमें थ्री टू फाइव डेज ठीक है तीन से पांच दिन क्या होता है जो योनि होती है यानी कि जो वजाइना होती है जो वजाइना होगी एक फीमेल की वहां से क्या होगा वहां से ब्लड पास होता है यानी कि वहां से क्या हो रहा है रक्त स्त्राव होता है ठीक है क्या हो रहा है वहां से रक्त स्त्राव होता है लेकिन अब सवाल आता है कि क्यों होता है ठीक है अगर ये यह ब्लीडिंग यहां से हो रही है तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है ब्लीडिंग क्यों हो रही है कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी जो इतना बड़ा चेंज लेकर आती है एक फीमेल बॉडी में कि की, की जो है 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 वजाइना से क्या होता है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। कुछ तो हॉर्मोन होंगे जो इस चीज को आगे जाते होंगे कि अच्छा इस हॉर्मोन की वजह से ऐसा होता है तो इसलिए ब्लीडिंग हो जाती है क्यों होता है ठीक है तो हमें क्या करना है हमें इन्हीं चीजों को आज समझना है कि एक्चुअली में इनके पीछे का प्रोसेस क्या है रीजन क्या है ठीक है लेकिन उससे पहले एक और चीज कि भाई ठीक है प्राइमेट्स वो हो गए अच्छा ठीक है इससे पहले आपने इलेवेंथ क्लास में एक शब्द पढ़ा होगा हम्म इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा था कॉर्डेटा ठीक है ये कॉर्डेटा आपने इलेवेंथ क्लास में देखा था अब ये जो कॉर्डेटा था इसमें एक शब्द आया था स्तनधारी हम्म जिनको क्या बोलते हैं मैमल्स बोलते हैं स्तनधारी ठीक है इनको क्या बोलते हैं अपन मैमल्स बोलते हैं ठीक है अब मैमल्स क्या होते हैं ये प्राइमेट फीमेल्स होती हैं ठीक है मैमल्स में क्या जिनमें स्तन होता है यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स होती है ठीक है तो इनमें क्या होता है प्राइमेट प्राइमेट मादा बोल दो या प्राइमेट फीमेल्स बोल दो ठीक है ये वो होती हैं जिनमें क्या होता है मैंचुरल साइकिल होता है आतर च... आवर्त चक्र होता है ठीक है ओके इन प्राइमेट्स में अब स्तनधारी तो बहुत सारे हैं मैमल्स तो बहुत सारे हैं क्या हर एक में मैंसुरल साइकिल होता है यहां पर अब एक और सवाल आता है क्या हर एक में मैंसुरल साइकिल होता है जवाब दीजिए बताइए हम्म तो नहीं सब में नहीं होता सिर्फ बंदर कपी और मनुष्य ये तीन ही ऐसे हैं जिनमें क्या होता है साइकिल होता है ठीक है जिनको हमने क्या बोला प्राइमेट्स अब जो बाकी है जो बाकी मैमल्स हैं जिनमें पीरियड्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हम्म जिनमें नहीं होते हैं उनको अपन ने क्या बोला हम्म तो भाई इनको छोड़ के जो भी स्तनधारी हैं, ठीक है थीके? जो भी स्तनधारी हैं, इन तीनों को छोड़कर इन तीनों को छोड़कर जो भी स्तनधारी हैं, ठीक है थीके? वो क्या कहलाते हैं नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं ठीक है थीके? चाहे उसमें कुत्ता हो बिल्ली हो हाथी हो ये सब क्या है नॉन प्राइमेट्स हैं, ठीक है थीके? इनमें क्या होता है इनमें दूसरा चक्र चलता है इनमें क्या चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आतर्व चक्र चल रहा है लेकिन ये जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनमें क्या चलता है मद चक्र चलता है इनमें ठीक है इनमें क्या चला मद चक्र ठीक है इस मद चक्र को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल ठीक है ओस्ट्रस

चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कि भाई जो फर्स्ट डे होता है ब्लीडिंग का ठीक है यानी कि आपके पीरियड्स का जो फर्स्ट डे है ठीक है फर्स्ट डे किसका ब्लीडिंग का हम्म ब्लीडिंग का ठीक है इस फर्स्ट डे से लेकर इस फर्स्ट डे से लेकर यहां से लेकर ठीक है कहां तक भाई जो अगले मंथ का जो दूसरे महीने का दूसरे मंथ का फर्स्ट डे होगा ठीक है जो दूसरे मंथ का फर्स्ट डे होगा मतलब यहां से लेके यहां तक ये यह पूरा यहां से अगर सपोज की कीजिए कीजिए कि यहां पे पहली तारीख है ठीक है तो इस पहली तारीख से लेके इस पहली तारीख तक ये जो पूरा टाइम है ये जो पूरा टाइम है ये जो पूरा टाइम है इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं आतर्व चक्र ठीक है यानी कि मेंस्ट्रुअल बोलते हैं इसको ठीक है यानी कि जो ब्लीडिंग फर्स्ट डे एक महीने में हुई थी ठीक है यानी कि अगर हम अगर सपोज कर कर तो करो आज वन है तो अगले महीने की जो फर्स्ट तारीख आएगी इसके बीच का जो पूरा टाइम है ये क्या कहलाएगा अतर्व चक्र कहलाएगा ठीक है अब क्या होता है भाई यहां पर जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं ठीक है यहां पर क्या हो रहे हैं भाई रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए ओवरी हो गया यूटरस हो गया ठीक है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहां पर क्या होता है बहुत सारे बदलाव आते हैं बहुत सारे बदलाव ठीक है यहाँ क्या आ रहे हैं बहुत सारे बदलाव आते हैं और इन बदलाव का रीजन क्या होता है इनके पीछे का कारण क्या होता है हुँ? इनके पीछे का कारण होता है हमारे हॉर्मोन्स ठीक है क्या होता है हमारे हॉर्मोन्स ठीक है ना हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज में हो हमारे हारमोन बहुत जरूरी हैं अगर हमारे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या होती है लड़खड़ाने लग जाती है ऐसे नहीं कि हम लड़खड़ा के गिर रहे हैं नहीं लड़खड़ाने से मतलब कि इसके जो काम है जितने भी प्रोसेस अंदर हो रहे हैं वो डगमगा जाते हैं ठीक है बैलेंस नहीं हो पाते हैं ठीक है तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स क्या करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है ना ओके चलो ठीक है अब क्या बात करनी है अपने को अभी जितना कुछ हमने यहां पर पढ़ा है एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि अच्छा हमने क्या पढ़ा है तो सबसे पहले हम मादा प्राइमेट्स की बात करते हैं जो मादा क्या होती है प्राइमेट्स जो होती है ठीक है आप ये जो मादा प्राइमेट्स होती हैं कौन होते हैं ये इनमें हमने एग्जाम्पल क्या बोला था बंदर हो सकते हैं मनुष्य हो सकते हैं है ना और और क्या हो सकते हैं कपी ठीक है ये हो सकते हैं अब यहां क्या है यहां पर होने वाले जनन ठीक है यहां पर होने वाले जनन चक्र यहां पर होने वाले जनन चक्र ठीक है इस जनन चक्र को हम क्या कहते हैं यहां पर होने वाले जनन चक्र को हम क्या कहते हैं आतर्व चक्र यानी कि मैं साइकिल या फिर इसका कॉमन नेम क्या है इसका कॉमन नेम है मासिक धर्म भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको ठीक है और दूसरा इसका एक और कॉमन नाम है जिसको क्या बोलते हैं हम हम्मल साइकिल तो बोल दिया इसको आतर्व चक्र बोल दिया इसको ठीक है और इसको रजोधर्म भी बोलते हैं ठीक है ऐसे दो चार नाम है जो अलग अलग जगह मतलब अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं ठीक है कॉमन नेम क्या है इसका एक तो रजोधर्म हो गया हम्म जिसे हम हिंदी में कॉमनली यूज करते हैं या फिर क्या हो गया हाँ महावारी महावारी भी यूज करते हैं हम लोग ठीक है इंग्लिश में क्या बोलते हैं साइकिल बोल दिया इसको हमने है ना तो ये क्या है कॉमन नेम्स हैं इसके ठीक है चलो ठीक है अब जो सबसे पहला पीरियड होता है यानी कि जो प्रथम ऋतु होता है ठीक है दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम जो प्रथम क्या होता है रितु स्त्राव होता है यानी कि जो सबसे पहला होता है ठीक है जो सबसे पहला रितु स्त्राव होता है या उसको क्या बोलते हैं रजोधर्म भी बोलते हैं हम्म या फिर रजोधर्म ठीक है या फिर रजोधर्म ठीक है ऋतुस्राव या रजोधर्म जो सबसे पहला होता है ठीक उसकी शुरुआत कब होती है हुँ? इसकी जो स्टार्टिंग होती है कब होती है यौवन अवस्था में होती है इसकी स्टार्टिंग यौवनारंभ पर ये शुरू हो जाता है ठीक है यौवनारंभ पे ये शुरू हो जाता है और जिसको क्या बोलते हैं हम जी इसको बोलते हैं हम रजो दर्शन. ठीक रजो दर्शन यानी कि मिनार्क यानी कि मिनार्क ठीक है मिनार्क मतलब जब किसी लड़की को पीरियड्स स्टार्ट होता है वो पहला दिन जब उसकी लाइफ में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं ठीक है थीके? हर महीने का नहीं लाइफ में पहली बार जब पीरियड आता है तो उसको क्या बोलते हैं मिनार्क बोलते हैं यानी कि रजो दर्शन ठीक है ना चलो ठीक है अब क्या आता है तीसरा पॉइंट हमारे पास एक रजो धर्म ठीक है एक रजोधर्म से दूसरे रजो धर्म दूसरे रजो धर्म ठीक है यहां क्या होता है एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के जो बीच घटना घटती है जो बीच घटना चक्र होता है ठीक है जो एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच में जो घटना चक्र होता है उसको हमने क्या बोला इसको हमने नाम दिया आतर्व चक्र ठीक है और ये क्या होता है ये प्राय स्त्रियों में होता है हम्म स्त्रियों में होता है ठीक है और ये अट्ठाईस से उनतीस दिनों के बीच में दोहराया जाता है अट्ठाईस से उनतीस दिनों की अवधि में दिनों की अवधि ठीक है अवधि में क्या हो रहा है यह अट्ठाइस से तीस दिनों की अवधि के बाद के बाद क्या होता है दोहराया जाता है ठीक है ओके okay, चलो ये हो गया अब नेक्स्ट क्या आता है कि जो हर एक आतर्व चक्र होता है ठीक है हर एक आतर्व चक्र ठीक है आतर्व चक्र के मध्य के मध्य में एक अंडाणु एक अंडाणु मतलब ये जो आतर्व चक्र हो गया मैं साइकिल हो गया उसके बीच में क्या होता है कि एक अंडाणु जो होता है क्या होता है उत्सर्जित होता है ठीक है उत्सर्जित होता है ठीक है ना एक अंडाणु क्यों क्या हो गया उत्सर्जित हो गया है ठीक है आतर्व चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित हो जाता है चलो ठीक है उसके बाद अभी क्या देखना है अपने को यहां तक सभी को क्लियर किसी कोई डाउट तो नहीं है ना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं और बात करते हैं ये क्या है ये स्त्री जनन तंत्र है ठीक है इस स्त्री जनन तंत्र में हमने क्या बात करी थी कि ये क्या है भाई अंडाशय है ये है ना ये क्या हो गया अंडाशय हो गया यानी कि ओवेरी ठीक है ये क्या हो गई अंडवाहिनी हो गई है ये है ना यानी कि अंडवाहिनी क्या होती है फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब ठीक है ये क्या था हमारा गर्भाशय था ये हमारा गर्भाशय यानी कि यूटेरस ठीक है अब ये जो गर्भाशय था यहां पे क्या था इसमें तीन लेयर्स थी तीन परतें थी ठीक है हमने यही पढ़ा था कि इसमें तीन परतें हैं सबसे बाहर वाली कौन सी थी सबसे बाहर थी कौन सी थी सबसे बाहर वाली मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम उससे अंदर क्या थी हां उससे अंदर क्या थी उससे अंदर पेरीमेट्रियम थी पेरीमेट्रियम ठीक है दूसरी लेयर और तीसरी वाली क्या थी इस तरीके से तीन लेयर्स थी ना पहली वाली मायोमेट्रियम दूसरी पेरीमेट्रियम और तीसरी क्या थी अपने पास एंडोमेट्रियम अब यहां ये जो सारा कुछ खेल होता है वो कहा होता है एंडोमेट्रियम में होता है ठीक है सबसे अंदर वाली जो होती है ठीक है जिसके बारे में हमने क्या बात करी थी ये रक्त से भरी हुई होती है ठीक है रक्त जो इसमें होता है ना ब्लड वेसल्स इसी में होते हैं हमने यही बात करी थी हम्म ठीक है चलो अब रजोधर्म के पीछे के कारण क्या है, है? क्या है ये कि इसके पीछे क्या रीजन है भाई ऐसा क्यों होता है ब्लीडिंग क्यों होती है फीमेल्स में हाँ? सोचने में मतलब लगता है ना कि क्यों हो रहा है यार नहीं है आप हाँ क्यूरोसिटी पैदा करना चाहिए होगी तभी तो चीजें समझ में आएंगी ठीक है ओके चलो जानते हैं इसके पीछे हॉर्मोन्स की एक्टिविटी को कि भाई ये जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स है ये ऐसा क्या करते हैं ऐसा क्या रोल प्ले कर रहे हैं कि भाई एक फीमेल बॉडी को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है ठीक है ना ओके okay, चलो तो अगर हम बात करते हैं कि एक फीमेल बॉडी की ठीक है ये क्या है एक फीमेल है ठीक है ये एक फीमेल बॉडी है ठीक है ओके चलो अब क्या हो रहा है जब ये प्यूबर्टी एज पे आती है ठीक है प्यूबर्टी एज क्या होती है ये आ गई अपनी प्यूबर्टी एज पे प्यूबर्टी एज और इसको हम प्रजनन अवस्था भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? क्या बोल सकते हैं और इसको हम प्रजनन अवस्था ठीक है ठीक है ये अपनी प्रजनन अवस्था पे आ गई कौन सी एज में प्यूबर्टी आती है जवाब दीजिए कौन सी एज पे आती है मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक लड़की के अंदर हुँ? कौन सी एज पे प्यूबर्टी आती है जल्दी से बताओ हम्म हाँ जी बिल्कुल तेरह से चौदह साल ठीक है तेरा से चौदह साल, साल ये वो एज होती है जब एक लड़की में क्या आती है प्यूबर्टी आती है ठीक है ओके जी अब क्या होता है इस एज पे आने के बाद जब वो इस एज पे आ जाती है तो हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस जो होता है हाइपो थैलेमस हार्मोन रिलीज होता है ठीक है सिक्रीट होता है ठीक है ये क्या हो रहा है ठीक है सिक्रीट हो गया अब ये अब क्या हुआ जी इससे कहां से होता है ये हमारे ब्रेन में हमारे मस्तिष्क में हाइपोथलेमस, हाइपोथलेमस, क्या होती है ग्लैंड होती है ठीक है हमारे कहा होती है ये ब्रेन में होती है हाइपोथेलिमिस ठीक है अब ये जो ग्लैंड होती है ये एक हार्मोन रिलीज करती है ठीक है कौन सा है जी वो बोनोडोट्रोपिन जी एन आर एच ठीक है जब यहां क्या होता है इसका सिक्रीशन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है बढ़ जाता है इसका सिक्रीशन तो इसके सिक्रीशन बढ़ने से क्या हो रहा है किस पे इफेक्ट करता है ये ठीक है हाइपोथेलेमस होती क्या कर रही है जीएनआरएच जी एन आर एच एक हार्मोन क्या कर रही है प्रोड्यूस करते बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो ये किस पे इफेक्ट करेगा हम्म ये इफेक्ट करेगा भाई किस पे ये इफेक्ट करेगा सीधे से पीयूष ग्रंथि के ऊपर ठीक है किस पे इफेक्ट कर रहा है ये पीयूष ग्रंथि ठीक है पीयूष ग्रंथि के ऊपर ये क्या कर रहा है इफेक्ट कर रहा है ओके ठीक है जी इसने पीयूष ग्रंथि के ऊपर इफेक्ट कर दिया अब क्या हुआ ये ऐसा ही सेम इफेक्ट क्या हुआ था हमने मेल्स के बारे में पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर जब हाइपोथलेमस जो होती है जब क्या बोलते हैं जी एन आर एच जी एन आर एच जो है ये क्या करता है इंक्रीज हो जाता है ये हार्मोन ठीक है तो क्या होता है ये किस पे इफेक्ट डालता है पीयूष ग्रंथि पे डालता है फिर ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है बात करी थी हमने कुछ याद है हम्म ठीक है चलो देख लेते हैं तो हम बात करते हैं यहां पे पीयूष ग्रंथि की ठीक है पीयूष ग्रंथि ठीक ठीक है चलो ये पीयूष ग्रंथि ग्रंथि है इसके ऊपर प्रेशर पड़ा अब जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ गया तो इसने क्या किया उस प्रेशर के कारण दो हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिया दो हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिया इसने ठीक है कौन से दो हॉर्मोन्स थे एलएच था एक एक एफएसएच और ये दोनों ही हॉर्मोन्स एक मेल बॉडी में भी रिलीज हुए थे एलएच किया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच किया था टिंग हॉर्मोन है ना ये दोनों हारमोन क्या थे एक मेल बॉडी में भी हुए थे है ना ठीक है अब चलो ये हो गया अब जब ये दोनों रिलीज हो गए हैं तो सोचो ये दोनों जाएंगे कहा जाए तो जाए तो कहा क्या होता है कि ठीक है ये दोनों ये जो क्या है ये, ये फैमिली का हेड है इसने क्या किया भाई अपने से दो छोटे वाले हैं ना उनके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई इनको घर से निकाल दो ठीक है फैमिली हेड ने प्रेशर डाला

ओवरी में चले जाते हैं कहा जा रहे हैं ये फीमेल की ओवरी। ओवरी क्या? अंडाशय में चले जाते हैं ठीक है कहा चले गए अंडाशय में चले गए। ठीक है ओके इनको कहा घर मिल गया ओवरी में घर मिल गया कि ठीक है हमें नई जॉब मिल गई है अब ठीक है चलो इनको नई जॉब मिल गई अब यहां पे जब ये नई जॉब इनको मिल गई है तो ये वहां जाके क्या करेंगे भाई ये इस नई जॉब का नया काम करेंगे यानी कि यहां जाके ऊवरी में जाके क्या करेंगे पुटको का निर्माण करेंगे पुटको का निर्माण करेंगे उफ ये था इनका काम ठीक है यहां पहुंचेंगे ये अंडा शेमर क्या करेंगे पुटको का निर्माण कर देंगे ठीक है ओके ठीक है अब क्या होगा अंडाशय में हमने क्या बात करी थी कि जन्म से पहले बहुत सारे पुटकों का निर्माण होता है यही बात करी थी हमने एक लड़की के जन्म से पहले बहुत सारे पुटकों का निर्माण हो रहा है ठीक है क्या निर्माण हुआ था भाई प्राथमिक पुटक का प्राथमिक पुटक का निर्माण हुआ था जन्म से पहले है ना यही हुआ था जन्म से पहले प्राथमिक पुटक का निर्माण हुआ था जो धीरे 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 नष्ट होकर लास्ट में कितने रह जाते हैं सिक्सटी टू एटी थाउजेंड रह जाते हैं या हजार बोलो इतने रह जाते हैं ठीक है कहा रह जाते हैं फीमेल की बॉडी में रह जाते हैं ठीक है फीमेल की बॉडी में कहा अंडाशय में देखो सिक्सटी टू एटी एक अप्रोक्स है ऐसा नहीं है कि सिक्सटी ही है और एटी ही है इनके बीच के कुछ नंबर भी हो सकते हैं ठीक है तो इसीलिए बोला है 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 इसको ठीक ना बिल्कुल ओके चलो अब ये क्या होता अंडाशय में प्रेजेंट होते हैं अब क्या होता है जैसे जैसे ये जो प्राथमिक पुटक होते हैं ठीक है जो प्राथमिक पुटक हैं इनका निर्माण होता है ठीक है तो प्राथमिक पुटक के बाद किसका निर्माण हुआ था हमने क्या बात करी थी द्वितुटक का निर्माण हुआ था है ना द्वितीय पुटक का निर्माण हुआ था इस द्वितीय पुटक के बाद क्या हुआ था तृतीय पुटक का निर्माण हुआ था है ना? इसका निर्माण हुआ था ठीक है इसके बाद क्या हुआ था ग्राफियन फॉलिकल बना था इसके बाद ठीक है फॉलिकल ठीक है ये हुआ था है ना ऐसे ही था सीन कुछ ठीक है अब यहाँ ये यह सब जो कुछ हो रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है ठीक है यहाँ पर दो हार्मोन बनते हैं हमने यही बात करी थी ठीक है यहां पर दो हार्मोन बनते हैं कौन कौन से हार्मोन बन गए थे भाई एक एस्ट्रोजन बन गया था ठीक है दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन बन गए थे ठीक है अब ये क्या करते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये रक्त वाहिनियों से होते हुए जाते हैं किससे रक्त वाहिनियों से रक्त वाहिनी से होते हुए जाते हैं ठीक है कहा जाते हैं ये रक्त वाहिनी से होते हुए ये जाते हैं अंत अंत परत ठीक है कहा जा रहे हैं ये अंत परत यानी कि एंडोमेट्रियम में जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं ये अंत परत यानी कि एंडोमेट्रियम ठीक है कहां पर थी हमने कहा बात करी थी एंडोमेट्रियम ये गर्भाशय की सबसे अंदर की क्या थी परत थी ठीक है ओके ये अंत परत में आ गए एंडोमेट्रियम में आ गए यहाँ क्या कर रहे हैं ये ये क्या करते हैं उसको बनाने का काम करते हैं ठीक है रक्त तो वाहिनियों से होते हुए कहा जा रहे हैं अंत परत में आ रहे हैं और उसको बनाने का काम करते हैं उसको मेंटेन रखते हैं कि भाई तुमको मेंटेन रहना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि अगर कोई स्पर्म वहां मिल जाएगा तो तुमको वहां पे गर्भ धारण करना है ठीक है और नहीं होगा तो क्या होगा वो ब्लीडिंग से बाहर आ जाता है ठीक है ओके अब यहाँ पर क्या होता है ये जो ग्राफिन फॉलिकल था ये किस रीजन से बना था ये एल और एफ के रीजन से बन गया था ठीक है अब हमने क्या बात करी थी कि भाई अंडाशय में क्या होता है अगर हम ये बात करते हैं ये क्या था अंडाशय ठीक है थीके? इसके अंदर बहुत सारे क्या बन रहे थे ये इसके पुटक थे है ना पुटक का निर्माण हुआ था इसके अंदर ऐसे 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 पुटक का निर्माण हुआ था ना अंडक के बाहर है ना तो इसी वजह से दो हार्मोन्स रिलीज हुए थे ठीक है उसके निर्माण से दो हॉर्मोन्स रिलीज हुए थे चलो ठीक है अभी यहां तक से भी क्लियर हुआ कि हम एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं जो प्राथमिक पुटक था भाई ये कहां पे है ये जो प्राथमिक पुटक है 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 ठीक इससे क्या हो रहा कहा मौजूद है ये अंडाशय में मौजूद है ठीक है कितनी गिनती में मौजूद है सिक्सटी से एटी थाउजेंड की गिनती में मौजूद है ठीक है अब क्या हुआ प्राथमिक पुटक से क्या बना द्वितीय पुटक बना फिर तृतीय बना फॉलिकल फॉलिकल बना फिर फॉलिकल की वजह से क्या हुआ भाई वहां प्रेशर बढ़ा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन बने जो क्या करेंगे ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों रक्त वाहिनियों के साथ होते होते कहा जाएंगे ये गर्भाशय में जाएंगे गर्भाशय ठीक है अब गर्भाशय में किधर जाएंगे ये गर्भाशय से ये अंत परत में जाएंगे यानी कि एंडोमेट्रियम में जाएंगे यहां तक किसी को कोई डाउट है ओके चलो अब हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि भाई ये जो 28 डेज होते हैं इनमें क्या होता है लेयर कैसे बनती है क्या होता है वहां क्या कार्यक्रम चल रहा है ठीक है चलो उसके बारे में बात करते हैं तो फिर यहां पर हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं चीजों को समझने के लिए ठीक है ये हमारे फ्लो चार्ट है इस तरीके से देखो सीधी लेयर तो बिल्कुल नहीं आ रही है सीधी लेयर तो बिल्कुल नहीं आ रही है है कोशिश करते हैं चलो फिर से सीधी लेयर बनाने की चलो ठीक है अब क्या करना है सबसे पहले है, हमारे पास क्या आती है भाई पीयूष ग्रंथी आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये पीयूष ग्रंथी क्या करती है भाई दो हार्मोन रिलीज करती है क्या रिलीज करती है एल एच और एफ एस एच ठीक है क्या किया इसने एलच और एफ एस एच किया ठीक अब पीयूष ग्रंथि के बाद क्या कार्यक्रम आएगा का भाई अंडाशय की घटनाएं आ जाती है कि भाई इसकी वजह से अंडाशय में क्या घटनाएं हो रही है ठीक है अब आ गया अंडाशय की घटनाएं क्या घटनाएं थी वहां पे भाई पर का निर्माण हुआ था ठीक है ये घटनाएं थी इसके बाद क्या आता है हमारे पास इसके बाद आता है भाई उसके बाद अंडाशय हार्मोन ठीक है अंडाशय के हार्मोन कौन कौन से थे प्रोजेस्ट्रॉन और हाँ एस्ट्रोजन ठीक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ठीक है ना हम्म लास्ट में कहा पहुंचेंगे है? हम गर्भाशय में पहुंचेंगे लास्ट में ठीक है कि इन सब की वजह से हमारे गर्भाशय में क्या हो रहा है गर्भाशय ठीक है ना चलो ठीक है अब क्या होता है भाई जब एक फीमेल में क्या होता है पीरियड्स आते हैं ठीक है पीरियड्स स्टार्ट होते हैं सबसे पहला पीरियड उसकी लाइफ का जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम रजोधर्म बोलते हैं रजो धर्म उसकी लाइफ का जो पहला पीरियड होता है उसको तो क्या बोलेंगे हम रजोधर्म बोलेंगे ठीक है या फिर मिनार्क बोलेंगे अब क्या होता है इस टाइम में क्या होता है भाई जो गर्भाशय होता है उसमें एंडोमेट्रियम लेयर होती है हमने बात करी थी कि भाई ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसकी ये क्या होती है ब्रेक होती है ये फट जाती है फट जाएगी तो क्या होगा कि जो ब्लड है जो रक्त है वो क्या करेगा वो बाहर आएगा किसके द्वारा आएगा बजाइना के द्वारा योनि के द्वारा बाहर आएगा ठीक है तो ये क्या है लो ब्लड ड्रॉप्स है वो लेयर ब्रेक हो गई है एंडोमेट्रियम लेयर और ये क्या हो रहा है रक्त स्त्राव हो रहा है ठीक है चलो दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो ये भाई हमारी एंडोमेट्रियम हो गई हम्म एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या हुआ रक्त स्त्राव हो गया चलो जी ठीक है हम्म अब रक्त हो गया है ठीक है तो क्या होगा साथ ही साथ में ये जो एल एच और एफ एस एच है ये क्या होगा ये एकदम हाई लेवल पे आ जाएंगे ठीक है ये क्या हुआ भाई हाई लेवल पे आ गए ठीक है हाई लेवल पे आ गए अब क्या होगा ये रिलीज होंगे तब ये जो है जब ये रिलीज होंगे तब ये क्या करेंगे हमारे अंडाशय के ऊपर इफेक्ट डालेंगे भाई ठीक है क्योंकि ये हाई एक एकदम क्या इसका इनका लेवल हाई हो गया है तो क्या करेंगे ये हमारे अंडर शेप यानी कि ओवरी के ऊपर क्या करेंगे इफेक्ट डालेंगे ठीक है अब जब ये ओवरी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे तो वहां पर क्या होगा तो यहां पर प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाएगा ये क्या है हमारा प्राथमिक अच्छा एक चीज पहले फिर हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पर पुटक होते हैं हमें मालूम है ठीक है यहाँ पे प्राथमिक पुटक का निर्माण हो जाएगा है ना ये रहे प्राथमिक पुटक ये रहे ठीक है अब प्राथमिक पुटक में क्या होता है क्या बात करी थी कि इसके ऊपर क्या होता है भाई हम्म मतलब यहाँ पे बहुत सारी संख्या में प्राथमिक पुटक मौजूद होते हैं ठीक है थीके? और क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है भाई इसके ऊपर ग्राफियन सेल्स जो होती है वो क्या होती है इसके ऊपर आगे इकट्ठी होने लग जाती है, है ना तो क्या बनाती है तो क्या बनाएंगी वो हम्म जब वो क्या बनाएंगी प्राथमिक पुटक बना देती हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होती है बहुत सारे प्राथमिक अंडक होते हैं जब इसके ऊपर ग्राफियन सेल्स क्या होती है इकट्ठी होती है तो वो क्या बनाती है प्राथमिक पुटक बनाती है ये कहना था मुझे ठीक है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे प्राथमिक अंडक हैं और इनके ऊपर जब ग्राफियन जो सेल्स हैं इनके ऊपर जो आ, क्या बोलते हैं ग्रेन्यूलोसा सेल्स हैं ग्रेन्यूलोसा सेल्स जो है वो क्या इसके ऊपर जब इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं सेल्स या इस तरीके से ग्रैनुलसा सेल्स इसके ऊपर इकट्ठी हो गई है प्राथमिक अंडक 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 के ऊपर तो क्या बन गया है ये बन गया है प्राथमिक पुटक ठीक है यही बात रही थी हमने चलो ठीक है अब क्या होगा भाई अब अब, अब 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 जैसे ही एल एस लेवल का एल एस लेवल क्या होगा बढ़ जाता है हमने क्या बात की जैसे ही LH लेवल बढ़ जाता है वैसे ही ये जो प्राथमिक अंडक है इनके ऊपर ये अपना ग्रैनुलोसा सेल जो है वो इकट्ठी हुई और क्या बन गया हमारा प्राथमिक पुटक बन गया है अब क्या हुआ इसके बाद क्या बनेगा इसी से फिर बनेगा हमारा क्या बनेगा इससे हमारा द्वितीयक अंडक ठीक है और इस द्वितीय अंडक के अंदर क्या है प्राथमिक पुटक है ठीक है चलो इसके अंदर क्या लिख देते हैं प्राथमिक पुटक ठीक है चलो जी ठीक है अब यहां पर क्या होगा भाई कुछ अमाउंट में यहां पर जब ये सब कुछ बन गया है तो यहां कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन क्या होगा रिलीज हो जाएगा ठीक है जब ये अंडक बनेगा ये क्या हमारा अंडक है 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 ठीक ठीक पुटक थीके? अब ये जो पुटक जब बना है तो इसके बनने में क्या हुआ है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कुछ अमाउंट में रिलीज हो गया है ठीक है चलो ठीक है रिलीज हो गया है अब अब क्या हुआ है भाई जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पुटक भी बढ़ेंगे है ना अभी तक हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पुटक बढ़ेंगे ठीक है और अब हम जानते हैं कि जब रजोधर्म स्टार्ट हो गया है शुरू हो गया है एक फीमेल के अंदर ठीक है तो उसके बाद यहां एल का लेवल जो बढ़ा हुआ था जो एल का लेवल यहाँ बढ़ा हुआ था वो क्या होगा अंडाशय के अंदर पुटक को बढ़ाना शुरू कर देता है ठीक है जैसे जैसे एलएच बढ़ेगा तो अंडाशय के अंदर क्या होगा पुटक बढ़ते जाएंगे ठीक है अब जब यहां पर फॉलिकल्स बनेंगे ठीक है जब फॉलिकल्स बन रहे हैं और साथ साथ एल एच फॉलिकल्स बन रहे हैं किसकी वजह से एल एच और एफ एस की वजह से बन रहे हैं फॉलिकल्स ठीक है तो यहां पर पुटकों का निर्माण भी ज्यादा होगा जैसे वैसे वैसे जैसे एल एच बढ़ेगा वैसे वैसे पुटक बढ़ेंगे जैसे जैसे एल एच बढ़ेगा वैसे वैसे पुटक बढ़ेंगे ठीक है ओके okay. अब क्या होगा तो अब इस अवस्था में हम बोलेंगे कि ये जो पहली अवस्था है रजोधर हुई ठीक तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलेंगे पुटकीय प्रवस्था ठीक है पुटकीय प्रवस्था बोलेंगे इसको ठीक है ना यहाँ पे पुटक का निर्माण ज्यादा हो रहा है so, उसको क्या बोला अपन ने पुटकीय प्रवस्था बोला ठीक है अब क्या हुआ यहाँ पर हमें पता है कि भाई द्वितीय तृतय है ना प्राथमिक द्वितीय तृत्यक और जो है क्या दूसरा और उसके बाद प्राथमिक द्वितीय त्रितय और ग्राफी पुटक जो बना है ठीक है अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये जो एस्ट्रोजन था ठीक है ये क्या है एस्ट्रोजन ठीक है ये एस्ट्रोजन जो है यहां पर ये हार्मोन इंक्रीज होता जाता है यहां पर आके हम्म ये क्या होगा ये इंक्रीज हो रहा है ठीक है ये एस्ट्रोजन लेवल यहां पर इंक्रीज हो गया है ठीक तो जब इंक्रीज होगा तो क्या करेगा ये ये क्या करेगा कि भाई ये इंक्रीज होने के बाद इंक्रीज होगा तो मतलब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये गर्भाशय में जाएगा ठीक है इंक्रीज होगा तो ये कहाँ जाएगा हमारे गर्भाशय में जाएगा अब जब ये गर्भाशय में जाएगा तो क्या करेगा हुँ? जल्दी बताओ अब जब ये एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है हमें पता ये गर्भाशय में जा रहा है ठीक है तो गर्भाशय में जाके क्या करेगा ये वहां रक्त वाहिनियां होती हैं ठीक है गर्भाशय में क्या होती है रक्त वाहिनियां होती हैं उन्हीं से होते हुए जाता है ये ठीक है उन्हीं से होते हुए जाएगा ये क्या करेगा ये जो यहाँ पर टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी ठीक है टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी इसको क्या करेगा जोड़ने का काम करेगा ठीक है किसको एंडोमेट्रियम को क्या करेगा जोड़ने का काम करेगा लिख देते हैं कौन करेगा जोड़ने का काम एस्ट्रोजन ठीक है एस्ट्रोजन क्या करेगा भाई यहां पे इसका लेवल बढ़ेगा ये कहा जाएगा गर्भाशय में जाएगा गर्भाशय में कहा जाएगा ये है गर्भाशय में जाके ये जो एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो गई थी उसको वहां जाके जोड़ने का काम करेगा ठीक है बिल्कुल ओके ठीक है चलो अब क्या हुआ जी जब ये वहां पहुंच गया है एंडोमेट्रियम का काम इसने शुरू कर दिया रिपेयर करने का तो हम जानते हैं कि जो एल एच है और, है, और जो है यहाँ पर कम हो जाएंगे हम्म यहाँ पर क्या हुए कम हो जाएंगे तो कम क्यों हुए ये यहाँ पर कम क्यों हुए बताओ जल्दी जल्दी ये क्यों कम होंगे तो न, कौन सा कलर उठाए

इसको एंडोमेट्रियम uh, की जो लेयर है उसको जोड़ने का काम करेगा ठीक है ओके अब जब ये एल और एफ कम हो गए हैं ठीक है एल और एफ कम हो गए हैं और उसके साथ साथ क्या हुआ पुटिका का निर्माण हो गया है ठीक है पुटिका का निर्माण हो गया है ठीक है ये क्या थी द्वितीय पुटिका ठीक है इससे क्या बने तृतीय का, ठीक है ओके ये बन गई है तृतीय का बन गई है ठीक है ओके अब इसके अंदर ये जो द्वितीय पुटिका है इसके अंदर क्या है हम्म, क्या है इसके अंदर इसके अंदर ग्राफियन पुटक अब पुट जो ये जो ग्राफियन पुटक है इसके बाद क्या बनेगा तृतीय के बाद ग्राफियन पुटक बना ये क्या है ग्राफियन या ग्राफी पुटक ये जो ग्राफी पुटक है इसके अंदर क्या है द्वितीय अंडक है इसको लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल द्वितीय अंडक है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर क्या है द्वितीयक अंडक है ये क्या है ग्राफी पुटक है ठीक है तो इसके अंदर द्वितीयक अंडक है तो सडनली यहां पर क्या होगा एस्ट्रोजन लेवल क्या होगा हाई हो जाएगा सडनली ये एस्ट्रोजन लेवल यहां पर क्या हो गया हाई हो गया ठीक है एस्ट्रोजन लेवल यहां पर हाई हो गया यहाँ पे इसके यहाँ पर सडनली एस्ट्रोजन लेवल एकदम हाई हो जाता है अब इस स्टेज में एलएचबी हाई क्या होगा एल क्या होगा एकदम से हाई हो जाएगा हम्म कैसे हाई दिखाएं? ये इस तरीके से ठीक है ये एल क्या हो गया एकदम से हाई हो गया ठीक है जैसे ये एंड्रोजन लेवल यहां पे एकदम से हाई हुआ साथ साथ ये एल एच यहाँ पर हाई हो गया है ठीक है तो ये जो यहाँ पे एल हाई हुआ है इसको क्या कहेंगे हम एल एच सर्च कहेंगे ठीक है क्या बोला एल एच सर्च हुआ ये ठीक है तो ये जो देखो एकदम से क्या हुआ भाई एंड्रोजन एकदम से हाई हुआ इस एंड्रोजन के हाई होने से ये जो एल एच था ये भी एकदम क्या हुआ हाई हो गया और ये जो हाई हुआ है उसको हमने क्या बोला है एल एच सर्च बोला है ओके तो अब क्या है कि भाई ये जो एल एच है ठीक है ये जो एल एच है इसके साथ साथ क्या हो रहा है एफ एस एच में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है ठीक है एल एच के साथ साथ एफ एस एच में वृद्धि हो रही है ठीक है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं इसको भी चलो कि लो भाई इसके साथ साथ इसमें भी वृद्धि हो रही है तो ये जो क्या होता है क्या कहलाता है एल एच सर्च कहलाता है ठीक है एल एच के साथ एफ एस एच में वृद्धि हो रही है तो ये जो पोर्शन कहलाएगा एल एच सर्च कहलाएगा ठीक है चलो ठीक है अब क्या होता है यहां पर अब हम जानते हैं कि भाई एल एच की वजह से क्या हो रहा है पुटक का निर्माण हो रहा है ये चीज हमने यहाँ पर देख ली है ठीक है तो अब यहाँ पर जब एल एच में क्या हो रहा है यहाँ पे एकदम से क्या होता है यह ये पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है हमने क्या पढ़ा था कि भाई एल एच के एल एच इनक्रीज होता है तो क्या होता है पुटक का निर्माण होता है हमने यही पढ़ा अब तक लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये बचा पार्टी कि जब यहां पर एल जो है इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर ये यह पुटक का निर्माण नहीं करेगा ठीक है यहां पर ये यह पुटक का निर्माण नहीं करेगा यहां पर ये यह क्या करेगा यहां पर ये यह जो ग्राफियन फॉलिकल है ठीक है ग्राफी पुटक है इसको क्या करेगा ब्रेक कर देगा ठीक है क्या कर देगा ब्रेक कर देगा और जब ये ब्रेक कर देगा तो ये जो इसके अंदर द्वितीय अंडक है ये क्या करेगा ये तुरंत इससे बाहर आ जाएगा तुरंत इससे बाहर आ जाएगा और बाहर आके कहा जाएगा सीधे फेलोपियन ट्यूब में जाएगा कहां जाएगा ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा ठीक है जब यहां पर एल एकदम से इंक्रीज हुआ ठीक है एल एकदम से जब यहां पर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ ये ग्राफिक पुटक था ये क्या हुआ ये फट गया बस्ट हो गया और इसके बस्ट होते ही क्या हुआ कि इसके अंदर जो द्वितीय अंडक था ये निकल के फट से एकदम बाहर आ गया कि भाई मैं तो फ्री हो गया हूँ बिल्कुल आजाद हो गया हूँ लेकिन इस बेचारे के साथ क्या हुआ कि आजाद होके सीधे कहा पहुंचा कहा पहुंचा सीधे फेलोपिन ट्यूब में उसने कहा उफ आजाद तो मैं हुआ पर यहां भी फंस गया आसमान से टपका और खजूर पलट का हुआ इसके साथ ठीक है कोई बात नहीं बहुत बार हमारे साथ भी होता है हम किसी कंडीशन में फंसे होते हैं तो क्या होता है कि यार किसी भी तरह इस मुसीबत से निकल जाए और जब उस मुसीबत से निकले कहीं और पहुंचते हैं तो हमारे साथ भी होता है कि यार इससे अच्छा तो मैं वहीं अच्छा था होता है कभी कभी चलो ठीक है ये ये जो है फेलोपिन ट्यूब में पहुंच जाता है ठीक है अब यहां पर क्या होता है भाई ये जो द्वितक अंडक होता है ये जो दूत अंडक है इसका यहां से निकल के फ्री होके इस फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना यहां से निकल के इस फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है अंडासर्ग ठीक है अंडा सर्ग कहलाता है और यहां पर जहां पर आ, रुको एक बार ही ना इसको मिटा के थोड़ा सा इधर लिख देते हैं पुटकीय प्रवस्था को ये एलेक्स के साथ ज्यादा ही घुस रही है इधर ये क्या हुआ हमारा पुटकीय प्रवस्था दोनों में, में मेल मिलाप बढ़ रहा था जबकि इनमें मेल मिलाप नहीं करवाना है हमको ठीक है यहां लिखते हैं ये क्या है यहां पर स्त्रावी ठीक है ये क्या है स्त्रावी फेस क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है स्त्राव हो रहा है किसका स्त्राव हो रहा है भाई ये जो अंदर द्वितीय अंडक था इसका स्त्राव हो रहा है कहां पर जा रहा है ये फेलोपिन ट्यूब में इसलिए इस फेज का नाम क्या है स्त्रावी फेज है ठीक है ओके जी ठीक है अब ये फेलोपिन ट्यूब में चला जाएगा इस फेज को हमने क्या बोला स्त्रावी फेज बोला क्योंकि क्यों बोला स्त्रावी फेज क्योंकि यहां पर क्या था ये जो ग्राफी पुटिका थी ठीक है ये जो ग्राफी पुटिका थी ये ग्राफी पुटिका क्या होती है फट जाती है ठीक है ये क्या हो गई फट गई ठीक है ये क्या हो गई फट गई और इसने क्या किया स्त्राफ कर दिया किसका स्तराफ कर दिया भाई द्वितीय अंडक का स्तराफ कर दिया इसने ठीक है फटने के बाद द्वितीय अंडक का इस कर दिया और क्या होता है ये फटने के बाद किसमें बदल जाती है फटने के बाद एक क्या होती है हाँ पिचकी हुई सी संरचना एक पिचके हुए से स्ट्रक्चर में बदल जाती है ये इस पिचके हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं इस पिच के स्ट्रक्चर को है ना संरचना को हम क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको ठीक है क्या बोला हमने इसको कॉर्पस ल्यूटियम ठीक ठीक है चलो हमने इसको क्या बोला कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया ठीक अब भाई अगर सोचो जब ये एलएच सर्च नहीं होता तो ये जो ग्राफियन पुटी का है ये फट्टी कैसे है ना तो भाई इसका होना भी बहुत जरूरी है करेक्ट बिल्कुल ठीक है चलो अब ये क्या बन गई एक पिचकी हुई सी संरचना बन गई जिसको हमने क्या नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम दे दिया अब क्या होता है यहां पर जब ये अगर नहीं फटती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनता ये भी करेक्ट बात है तो सोचो एल सर जो है इसका कितना महत्व है कितने इंपॉर्टेंस है इसकी है ना ठीक है तो अब ये जब जो बन जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो ये क्या करता है यहां पर इसके बनते ही ये जो प्रोजेस्ट्रॉन था इसके दिमाग खराब हो जाते हैं ठीक है इसके दिमाग खराब हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के ये क्या करता है सडनली ये हाई होने लग जाता है यहां इस तरीके से यहां दिखाएंगे ये क्या हुआ ये हाई होने लग गया ठीक है हाई हो गया इसके दिमाग खराब होगा उसके बाद तो मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा भाई मेरे से कोई बादशाह ही नहीं है इसने ये सोच लिया कि एस्ट्रोजन तो बेचारा बेकार हो गया है ठीक है इसका कोई काम नहीं है तो इसके दिमाग खराब होगा हाई कर लिया ठीक है अब क्या हुआ ये प्रोजेस्ट्रॉन लेवल जब हाई हुआ तो इस प्रोजेस्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम दूसरा प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं ठीक है अब ये जो प्रोजेस्ट्रॉन बन रहा था उससे क्या हुआ भाई सडनली ओवोल्यूशन के बाद लेवल और हाई हो जाता है ठीक है ओवल्यूशन के बाद क्या होता है लेवल हाई हो जाता है तो ये क्या करता है भाई ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ठीक है यहां पर क्या करेगा ये उसके पास जाके ये जो एल एच है ये यहां पहुंचेगा यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ फिर ये कहा इस पीयूष ग्रंथि के पास पहुंच रहा है ठीक है और इसको जाके क्या कर देगा भाई कि अब तू नीचे आ जा ठीक है अब तू नीचे आ जा तेरा टाइम खत्म हो गया इसने बोला ठीक है ये क्योंकि हाई हो गया ये क्या हो गया कि यहाँ पर लो हो गया मतलब सर्च सर्च कम हो गया यानी कि LH और SHS, आ, और FSH, ये दोनों ही क्या हो गए कम हो गए क्योंकि एल एच सर्च इन दोनों से मिलकर ही तो बन रहा था तो ठीक है भाई इसने प्रोजेस्ट्रॉन ने क्या किया इन दोनों को कम कर दिया ठीक है अब जैसे ही ये कम होगा जैसे ही ये कम होगा तब क्या होगा जो रक्त वाहिनी है ये क्या करेगा जो रक्त वाहिनियों से होकर जाएगा ठीक है क्या होगा रक्त वाहिनियों से होकर जाएगा और क्या करेगा क्या करेगा भाई यहाँ पर हम्म बताओ बताओ क्या करेगा यहाँ पर ये यह? ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है ये क्या करता है भाई जो गर्भाशय होता है ठीक है यहाँ लिख देती हूँ देखो मैं प्रेगनेंसी हार्मोन या फिर क्या बोलते हैं इसको हम प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है ये क्या करेगा ये गर्भाशय में जाता है ठीक गर्भाशय में गया है ये क्या काम करता है ये गर्भाशय में जाके गर्भाशय में जाके ये उसकी लेयर बनाता है ठीक है परत बनाता है उसको मेंटेन करता है किससे ग्लाइको किससे करता है ग्लाइकोजन <coughs> यहां जाता है और इसको क्या करता है इसको मेंटेन करता है ठीक है किससे ग्लाइकोजन से मेंटेन करता है ठीक है ग्लाइकोजन अमाउंट को बढ़ा देता है अमाउंट को बढ़ा देता है ये क्या सोचता है ये सोचता है कि भाई मैं ग्लाइकोजन अमाउंट यहां पे अच्छे अमाउंट में कर देता हूं क्योंकि इन केस अगर कोई स्पर्म यहां मिल जाता है तो क्या होगा यहाँ पे कि एक भ्रूण बनने के चांसेस ज्यादा है तो उसको अच्छी जगह मिलना चाहिए अच्छा पोषण मिलना चाहिए तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये क्या करता है जाके गर्भाशय में उसकी लेयर को बना देता है ठीक है और वहां क्या करता है इसको ग्लाइकोजन अमाउंट को वहां जाके बढ़ा देता है कि अगर इसमें कोई बच्चा रुकता है तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके हर चीज हो सके ठीक है तो ये ये काम करता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या है शिशु को रहना होता है लेकिन बात ये है कि भाई अगर हम यहाँ पे निषेचन की बात करते हैं ठीक है निषेचन की अगर यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है ठीक है कहा यहाँ पर निषेचन निषेचन की क्रिया अगर इन केस हो जाती है तो क्या होगा ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है किस पे काम करता है गर्भाशय पे काम करता है मैंने अभी बताया ना प्रोजेस्ट्रॉन के अगर गर्भाशय पे काम करता है उसके लेयर बनाने का काम करता है ठीक है तो अगर यहां पे निषेचन की क्रिया हो जाती है तो यहां पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ठीक है ये क्या होगी नहीं होगी ठीक है अगर निषेचन होता है यहाँ पर तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ठीक है लेकिन यहां पर हम किसकी बात 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 कर 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 रहे हैं। हम क्रिया की बात नहीं कर रहे रहे हैं हैं इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की 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 हम निषेचन क्रिया नहीं हैं ना हमें यहां देखना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन अभी होगा क्योंकि वो बाद की बात है हमें सिर्फ अभी इसी के बारे में बात करनी है ठीक है तो यहां पर क्या होगा ये जो अंडाणु है ये निकल के फेलोपिन ट्यूब में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये चौबीस घंटे तक मतलब इसका मैक्सिमम टाइम ट्यूब में जहां ये का वेट करेगा कि भाई अगर स्पर्म आता है तो यहां पर क्या होगा निषेचन की क्रिया हो जाएगी और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा लेकिन हमको अभी निषेचन की क्रिया नहीं पढ़नी है हमको क्या पढ़ना है हमको यही देखना है सिर्फ कि भाई अभी साइकिल पीरियड्स को होना है ठीक है ओके तो अगर फर्टिलाइजेशन ये की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर नहीं होता है ये क्या होता है? अगर नहीं होता है नहीं होता है ठीक है तो क्या होगा नहीं होता है तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये पीयूष ग्रंथि में वापस जाएगा ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है क्या करेगा ये पीयूष ग्रंथि में वापस जाएगा ठीक है और पियूष ग्रंथि में वापस जाएगा इसको मिटा देते हैं यहां पर अब क्योंकि हमें आगे क्या चाहिए ओहो ये तो पूरा मिट गया चलो ये क्या करेगा रेजर सेलेक्ट नहीं करी थी इसलिए मिट रहा था ये बार इसलिए हो रहा था चलो कोई बात नहीं ओके अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है अब क्या होगा अगर यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है हम्म ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये यह यहाँ पे मिट गया है ठीक है है ये जो क्या करेगा पियूष ग्रंथि में वापस जाएगा ग्रंथि में वापस जाके क्या कर देगा ये ठीक है ये पीयूष ग्रंथि में वापस जाएगा और क्या करेगा ये जो कॉर्पस लूटियम है इसको क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा ठीक है पियूष ग्रंथि में वापस जाएगा और ये एल एच का लेवल कम करेगा यहां पर एल एच का लेवल क्या हो गया कम हो गया है अब जब एलएच का लेवल कम हो गया है तो क्या होगा ये पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा ठीक है समझ में आया कि भाई अगर निषेचन हुआ तो ये 24 घंटे फैलोपियन ट्यूब में रहेगा ठीक है और क्या होगा निषेचन हो जाएगा अगर स्पर्म मिला तो है ना निषेचन हो गया तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी पीरियड्स नहीं आएंगे लेकिन अगर यहां पे स्पर्म नहीं मिला ठीक है यहां पर निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन था ये क्या करेगा पीयूष ग्रंथि में जाएगा ठीक पीयूष ग्रंथि में जाके क्या करेगा ये जो एल एच हॉर्मोन है ठीक है एल एच हॉर्मोन को क्या करेगा कम कर देगा जब ये एल एच हॉर्मोन को कम कर देगा तो क्या होगा ये जो कॉर्पस लूटियम है ये क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा नष्ट हो जाएगा ओके और नष्ट होने पर क्या होगा भाई ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कहा है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ठीक है अब ये जो पे कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, होगा? एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम को बनाया था वो फिर से ब्रेक हो जाएगी ठीक है फिर से ब्रेक हो जाएगी जो एंडोमेट्रियम बनी थी ठीक है ओके जब एंडोमेट्रियम यहां पर ब्रेक हो गई यहां पर जब ब्रेक हो गई तो जो इतने दिन का ये काम चलता आ रहा था 28 दिन का वो सब पे पानी फिर जाएगा सब बेकार हो जाएगा क्यों बेकार हो जाएगा क्योंकि भाई यहां पर रजोधर्म स्टार्ट हो जाएगा फिर तो यहां पर हम क्या लिखेंगे रजोधर्म फिर से किसका अगले महीने का दूसरा महीना ठीक है समझ में आया आपको ये पूरी कहानी ये चल रही थी ठीक अगर यहां पे जो है मैंने क्या बताया कि भाई यहां पर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या हो जाएगा ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन था यह क्या करेगा पिच्यूट्री ग्लैंड जो होती है यानी पीयूष ग्रंथि में जाएगा वहां जाके एलएच का जो लेवल था उसको कम करेगा एलएच का लेवल कम होगा तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये क्या होगा ये फट जाएगा नष्ट हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा नष्ट हो जाएगा अब जब ये नष्ट हो जाएगा तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन था ये ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे आ जाएगा भाई कि इसका काम खत्म ठीक ओके तो ये सारा प्रोसेस ये था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो यहां पे एक वीडियो है मैं एक वीडियो दिखाती हूँ आपको इसको वीडियो से समझाती हूँ देखो, ये एक लड़की है जब वो एक यौवन अवस्था में आती है तो इस तरीके से उसका जो स्त्री डेवलप हो जाता है ये 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 हमारा हमारा है 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 यानी कि क्या गर्भाशय ठीक ठीक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक, ये लाइनिंग है. अब जब ये लाइनिंग क्या होगी यहाँ पर ये देखो लाइनिंग हो रही है तो क्या हो रहा? आ रहे है, कि रजोधर्म कहा बिल्कुल ठीक है इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कहा है हमारी स्लाइड अच्छा उससे पहले ये देखो ये आपकी बुक में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है है ना इस तरीके से आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी लिख के समझाया है आपको ठीक है ओके ठीक है चलो इसको आप अपनी बुक में एक बार बहुत आसानी से देख सकते हो ये देखो द मैं साइकिल इसके बारे में बात कर रही थी मैं देखो इसको ध्यान से देखना इसको 28 डेज की साइकिल होती है अभी हम डे वन की बात कर रहे हैं ठीक है पीरियड्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं देखो कब तक चले एट डेज मैक्सिमम होता है ठीक है इसके बाद नहीं होते हैं यहाँ क्या हुआ एग बना ठीक है अंडाणु बना यहाँ पर कहा पहुंचा ये देखो अंडाशय के अंदर है ये कितना जरा सा है ना ये यहाँ अंडाशय में बना यहाँ पे ओवेरी है अंडाशय ठीक है थीके? ये क्या है फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंड वाहिनिया ये दोनों ठीक है अभी क्या चल रहा है डे थर्टीन डे फोर्टीन ओवल्यूशन डे होता है ठीक है यानी कि अंडा सर्ग जो क्रिया होती है अब ये धीरे धीरे यहां से बाहर जा रहा है ओवल्यूशन के लिए बाहर जा रहा है ये लाइनिंग है देखो ठीक है एंडोमेट्रियम की यहां आ गया देखो ये यहां आके रुक जाता है ठीक है अगर इसको इस फेलोपिन ट्यूब में यहां से लेके यहां तक स्पर्म मिल जाता है ठीक आप समझना इस चीज को कि जब फोर्टीन डे ओवल्यूशन का डे होता है ठीक है जब अंडा क्या होता है इससे बाहर आता है ओवरी से बाहर आता है एग ओवे से बाहर आ गया इसे यहाँ फेलोपिन ट्यूब से लेके यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई स्पर्म मिल जाता है तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है और ये जो लाइनिंग है मोटी मोटी ये और मोटी हो जाती है ठीक है और ये जो बच्चा है अंदर ये यही रुक जाता है ठीक और ये पीरियड्स वाला है ना ये पीरियड्स नहीं होते फिर ठीक है रजोधर्म नहीं होता है फिर लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्पर्म मौजूद नहीं है तो ये इस तरीके से जो अंडा ये यहाँ पे पहुंचा है ना इस तरीके से देखो यहां पहुंचेगा यहां कोई स्पर्म मौजूद नहीं है ठीक है लाइनिंग क्या होगी देखो धीरे धीरे यहाँ पे फटनी शुरू हो जाएगी ठीक उसके बाद क्या होगा फिर से ब्लीडिंग हो जाएगी ठीक है तो ये होता है ट्वेंटी एट डेज साइकिल फिर जो है नेक्स्ट टाइम फिर डे वन से स्टार्ट हो जाएगा ये ट्वेंटी एट डेज बाद ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते ठीक है ये देखो ये यहाँ पर रोती हुई क्यों है ये स्त्री जनन तंत्र क्यों रोते हुए यहाँ पे क्योंकि हम सब क्या सोचते हैं मतलब हम सब से मतलब कि कुछ लोग अच्छा उससे पहले ये चीज जानो कि ये चीजें आपको यहाँ पर क्यों पढ़ाई गई हैं क्योंकि हम क्या है साइंस के स्टूडेंट्स हैं ठीक है हमें ये चीजें पता होनी चाहिए बेसिक चीजें कि अगर ये चीजें हमारी बॉडी में हो रही हैं तो हमारे अच्छे के लिए हो रही है हम्म अगर ये चीजें नहीं होंगी तो सोचो निशेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा कैसे एक औरत एक बच्चे को कैरी करेगी नहीं कर पाएगी फिर अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें अशुद्ध होती हैं नहीं ना ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं एक औरत के लिए बहुत अच्छी है बहुत खुशी की बात है कि भाई वो माँ बन सकती है अगर उसको पीरियड्स नहीं होंगे तो वो माँ नहीं बन पाएगी तो ये कुछ लोग कुछ मतलब साइकोलॉजी ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है पीरियड्स हो रहे हैं तो आप नीचे सोइए आप बेड पे नहीं सोगे आप अशुद्ध हो आप किचन में नहीं जाओगे ये चीजें गलत है हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचो कि ये चीजें अशुद्ध नहीं है अगर ये चीजें अशुद्ध होती तो भाई हम भी यहीं से आए हैं हम भी यहीं से आए हैं तो हम भी अशुद्ध हो सकते हैं ना फिर तो हम शुद्ध कैसे हो गए कि हम नहा धो लिए तो हम शुद्ध हो गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है इस सोच को हमें आपको यहां पर बदलना है इसीलिए चीजें हमें यहां पढ़ाई जाती है ठीक फड़ है अब फटाफट देखते हैं कि भाई निशेचन क्या होता है तो अगर हम निशेचन की बात करते हैं निशेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है क्या प्रोसेस है ये भाई जब एक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं संलयन करते हैं उससे जब कोई युग्मनज बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम इसको फटाफट -फड़ बताओ कमेंट में क्या बोलते हैं बताया ना अभी अरे भाई टॉपिक का नाम ही यही है निषेचन हाँ जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा निषेचन होगा ठीक है तो भाई यहां पर क्या हो रहा है कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक ये दोनों जब मिल रहे हैं तो युग्मनज बन रहा है ठीक है यानी कि जाइगोट, ठीक है हम्म ठीक है अब क्या था ये जो नर और मादा युग्मक है ये दोनों क्या है हा आ, ये दोनों क्या है अगुणित है अब ये दोनों जब अगुणित है इससे क्या होगा युग्मनज बनेगा तो ये क्या होगा ये होता है द्विगुणित ठीक है ये क्या हुआ द्विगुणित हुआ और यही क्या होता है हमारा निषेचन की क्रिया होती है भाई कि युग्मक प्लस युग्मक इक्वल टू युग्मनज ठीक है ओके पर युग्मक कौन से एक नर और एक मादा तब ये युग्मनज बनेगा वरना नहीं बनेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं देखो हमने क्या देखा था आतर्व चक्र के बारे में हमने बात करी थी कि इसमें क्या होता है कि भाई हमने क्या देखा था यहाँ पर हाँ हमने देखा था कि यहाँ पे क्या बन रहा है प्राथमिक पुटक फिर द्वितीयक फिर तृतीयक और फिर ग्राफी पुटक बन रहा है ये देखा था चलो यहाँ पे ग्राफी पुटक बन गया हमारा अब क्या हुआ ग्राफी पुटक जब बना था तो उसके मैच्योर होने पर क्या हो गया था भाई इस तरीके से ये पर फट गया था है ना यही बात कर रही थी हमने फट गया था जब हार्मोन का लेवल एकदम हाई हो गया था तो क्या हुआ था एलएच के हाई होने से ये फट गया था और जब ये फट गया था तो इसमें से ये जो है, ये जो द्वितीयक क्या है बाहर निकल निकल गया गया था था हम्म ये ये द्वितीयक क्या है बाहर निकल गया था। और ये जो बाहर और जो निकला था इसके फटने पे और कहाँ जाके रुका था ये ये रुका था अंडवाहिनी में है ना अंडवाहिनी में रुका था यानी कि फेलोपिन ट्यूब में और वहां क्या कर रहा था वहां बैठ के स्पर्म का वेट कर रहा था आराम से हाँ यही बात करी थी हमने ठीक है तो ये क्या करता है ये निकल के इसका क्या होता है कि इस जो ग्राफी पुटेक से निकल के मुक्त तो होना फ्री होना और अंडाशियन ट्यूब में जाके रुकना ये जो क्रिया होती है जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग बोलते हैं ठीक है थीके? ओके तो यहां पर हमने ये सब चीजें बात करी थी हम्म अब जब हम जानते हैं कि भाई मादा के अब हम जानते हैं कि कि भाई मादा को जब साइकिल स्टार्ट होता है उसका फोर्टीन डे होता है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई क्या होता है अंडाशय में क्राफी पुटक होता है है ना चलो एक बार अंडाशय का फटाफट से डायग्राम देखते हैं ठीक है इस तरीके से ओके ये क्या है भाई हमारा ये गर्माशय है ये दोनों क्या है अंडवाहिनी है ना ये क्या है फिमरी फिमरी के नीचे अंडाशय ठीक है ठीक है अंडाशय के अंदर क्या होता है ग्राफी पुटक होता है ठीक इसके अंदर यहां लिख देते हैं चलो अंडाशय के अंदर क्या ये ग्राफी पुटक है है ना लिख देते हैं ये क्या है हमारा अंडाशय ये क्या है ग्राफी पुटक ग्राफी पुटक अब इस ग्राफी पुटक के अंदर क्या है ये द्वितीय अंडक द्वितीय अंडक ठीक है यही है अब इसको चलो एक काम करते हैं कि ये जो ग्राफिक पुटक है इसको बाहर लेकर आते हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली में हमने क्या देखा था तो भाई हमने देखा था कि ये इस तरीके से क्या है ये क्या है भाई हमारा द्वितीय कंडक है कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं इसको पूरा कलर कर देती हूं ठीक है और नाम इसका थोड़ा दूरी पे लिखते हैं ये क्या है द्वितीय अंडक ठीक है ये द्वितीयक अंडक है अब हम जानते हैं कि ये जो द्वितीय द्वितीयक अंडक होता है ठीक है इसके बाहर क्या होता है हुँ? ये किस में होता है ये ग्राफी पुटक में होता है है ना ग्राफी पुटक के अंदर होता है द्वितीयक अंडक इसके बाहर एक और लेयर होती है हुँ? इस लेयर को क्या बोलते हैं अपन इसको बोलेंगे हम जोना डा ठीक है एक तो दोनों पेल्यू सिडा होती है और दूसरी कौन सी होती है कोरोना रेडिएटा ठीक है कौन सी हो गई ये कौन सी हो गई कोरोना रेडिएटा हो गई कोरोना रेडिएटा ठीक है ये क्या हो गई कोरोना रेडिएटा हो गई अब ये जो कोरोना रेडिएटा होती है इसके बाहर क्या होता है ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं बहुत बड़ा बन गया ना चलो इसी कलर से बना देते हैं हाय रे लो अभी सही बन गई ठीक है अब इसके बाहर क्या हो रहा है भाई हम्म ये क्या हमारी कोरोना रेडिएटा इसके बाहर क्या है ग्रेन्यूलस कोशिकाएं हैं सेल्स हैं ठीक है इसके बाहर इस तरीके से ठीक है ये क्या है ग्रैनुलोसा सेल्स ठीक है ग्रेनुलसा सेल्स है इसके अंदर करेक्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है इसमें और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि भाई इसके बाहर क्या होता है हु? ये जो granulosa cells है, इसके बाहर क्या होता, है? बाहर क्या होता है? एक और लेयर होती है इस तरीके से ठीक है इसको क्या बोलोगे आप ये जो होती है इसको क्या बोलोगे आप हम्म यहाँ पर एक और खाली स्पेस होता है कहाँ बनाए इतना कंफ्यूजन हो गया चलो ये यहाँ पे यहाँ पे चलो इसको बना देते हैं ये जो खाली स्पेस होता है यहाँ पर ठीक है इसको क्या बोलते हैं अपन एंट्रम इसको क्या बोला अपन ने एंट्रम बोला ठीक है ओके अब एंट्रम बोला ठीक उसके बाद क्या होता है हाँ दो लेयर्स होती है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ठीक है ये क्या होगा अपनी थी का इंटरनाल हो गई एक और लेयर होगी जिसको क्या बोलेंगे हम थीका एकस्टर्ना. तो ये क्या था भाई ये हमारा ग्राफी पुटक का एक क्या था स्ट्रक्चर था जिसको हमें यहाँ पे देखना था अब हम जानते हैं कि भाई जब एल का लेवल क्या था एल का लेवल इंक्रीज हुआ था तो इसके साथ साथ जो हमारा एस्ट्रोजन था ठीक है ये भी क्या हो गया था इंक्रीज हो गया था जब एल इंक्रीज हुआ था तो एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हुआ था ठीक है रिलीज हुआ था ठीक है तो ये रिलीज हुआ था ठीक है तो अब हमारा जो ग्राफियन पुटेक्ट था ठीक है हमारा ये जो ग्राफियन पुटेक्ट था इसका निर्माण हुआ था अब ठीक है हम जानते हैं कि इसके इंक्रीज होने पे क्या हुआ था इसका निर्माण हुआ था तो जब मादा का अगर हम मादा की बात करते हैं तो जब आ, मादा के शरीर में फोर्टीन चौदवा दिन आता है ठीक है फोर्टीन डे चौदवा दिन आता है तो क्या होता है फोर्टीन डे जब होता है ठीक है क्या होता है यहां पर जो एल एच लेवल होता है वो क्या हाई होता है यहाँ याँग पे तो ठीक है जैसे ही ये एल एच लेवल हाई होता है वैसे ही क्या होगा भाई जो ग्राफी पुटक है ग्राफी पुटक है वो क्या होता है फट जाएगा फट जाता है ठीक है फोर्टीन डे में जैसे ही ये एल एच लेवल हाई होता है जो ग्राफी पुटक है ये फट जाता है ठीक है ये फट जाएगा अब जब ये फट जाता है तो क्या होता है जो द्वितीय अंडक है जो द्वितीय अंडक है ये द्वितीय अंडक क्या करता है ये उससे बाहर आ जाता है हमने देखा था स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में ये क्या करता है बाहर आ जाता है बाहर आ जाता है ठीक है अब यहाँ पे सवाल आता है कि चलो ये बाहर आ जाता है ठीक है लेकिन ग्राफिक पुटक के फटने से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो उससे बाहर आते होंगे सोचा है आपने हाँ जब लास्ट क्लास में आपने बात करी थी तो सोचा आपने कि भाई ठीक थी, है ग्राफिक पुटक तो फट गया लेकिन इसके फटने से कौन से कौन से पार्ट बाहर आए होंगे इस जुटे अंडक के साथ हाँ चलो मैं बताती हूँ कौन कौन से आते हैं ठीक है थीके? तो भाई इसके साथ कौन से आते हैं बाहर इसके फटने से कहा के चलो इस, इसके नीचे लिख देते हैं ठीक है सिर्फ अंडक द्वितक अंडक प्लस जोना पैल्यूसीडा ठीक है और कौन सा आता है कोरोना रेडिएटा ठीक है कोरोना रेडिएटा ठीक है ये क्या होते हैं ये बाहर आते हैं ठीक है थीके? और जैसे ही ये क्या होते हैं ये बाहर आते हैं ना जैसे ही ये बाहर आते है जो फिम्बरी होती है क्या थी फिमरी ये थी फिंब्री. ये ठीक है ये फिम्बरी थी हमारी ये जो थी है ना जैसे ही ये ग्राफी पुटक अगर यहां पर यहां से निकल के बाहर आता है ये फट जाता है तो क्या होगा ये फिमरी होगी ना तो लपाक के एकदम पकड़ लेगी कभी देखा है जब बंदर होता है हैं अगर हम बंदर का एग्जांपल लें तो उसको किसी चीज पे एकदम लपकते हुए देखा है कि जैसे उसके सामने कोई केला रखा है तो एकदम फटाक से जाके उसको पकड़ेगा है या कभी मंदिर गए हो आप लोग है तो मंदिर में क्या होता है कि भाई अगर बंदर वहां बैठे तो प्रसाद पे एकदम लपकते हैं तो जैसे ही सोचो कि ये जो ग्राफिक प्रोटेक्ट से ये द्वितीय अंडक बाहर जाएगा ना फिमरी फटाक से उसको ऐसे पकड़ लेगी छोड़ती नहीं है है और पकड़ लेगी फिर क्या करेगी कि यहाँ 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 पहुंचते यह पहुंचते यहाँ पे जो तुम्बी का जगह होती है तुम्बी का जगह होती है ये ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है एम्पला होता है जहां इस रीजन को बोलते हैं एम्पला जहां पे क्या होता है निषेचन की क्रिया होती है ठीक है अब ये जो यहां से निकला ठीक है तो इन, इसने पकड़ लिया अब यहां से अंदर जाने लगा लेकिन भाई ये चलनशील नहीं होता है ये हम जानते हैं कि अंडाणु क्या होता है चलनशील नहीं होता है तो ये कैसे जाएगा बताओ ये कैसे जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे चल चल के तो जा नहीं सकता है बताओ बताओ कैसे जाएगा हाँ क्या रीजन है इसके पीछे अरे तो बताया था ना यहाँ पे क्या होता है सीलिया मौजूद होता है पक्षमा मौजूद होता है ठीक है जिसकी वजह से जो सीलिया होता है वो क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ठीक है वो क्या करते हैं ऐसे 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 आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करते हैं और इसको क्या करते हैं यहाँ पे जो ये अंडाणु यहाँ से निकला है इसको ऐसे 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 कर करके कर कर यहां तक पहुंचा देते हैं तुम बिका तक ऐसे होता है हम्म चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं ठीक है हम क्या देख रहे थे कि ठीक है जैसे ही निकलेगा यहाँ बाहर तो फिम्बरी क्या करेगी जो फिमरी है ठीक है ये जो फिमरी है ये फिम्बरी के पास पहुंच जाता है ठीक है और अब हम जानते हैं कि भाई ग्राफिक जो ग्राफिक पुटक है उससे जो अंडाणु है ठीक है उससे जो अंडाणु है वो क्या करता है हाँ, अंडाणु जो है फ्री होके उससे कहां जाता है अंडाशय में जाता है ये हमने बात कर ली थी ठीक है अंडाशय में जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम अंडोत्सर्ग है अंडोत्सर्ग क्या बोला हमने अंडोत्सर्ग बोला हमने इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं ठीक है थीके? अब अब ये जो अंडाणु है ठीक है यहां जो ये अंडाणु है ये तुम्बिका भाग तक कैसे आएगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये ये जो अंडाणु यहां से निकला ये तुम्बिका तक कैसे पहुंचेगा ये ठीक है तो मैं बता चुकी हूँ कि भाई कैसे पहुंचेगा इस सीलिया की मदद से पहुंचेगा ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है ऐसे पहुंचेगा ये ओके अब ये जो अच्छा ये जो यहाँ पर द्वितीय अंडक था ये यहाँ पर कब तक मौजूद रहेगा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक ठीक है कब तक रहेगा 24 फोर आवर्स तक ठीक है ये यहाँ पर 24 फोर आवर्स तक मौजूद रहेगा सिर्फ और 24 फोर के खत्म होते ही क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा यानी कि बर्बाद हो गया जो इतने दिन की मेहनत हमारे शरीर में चल रही होती है वो सब बर्बाद हो जाती है उसमें सब पे पानी फिर जाता है ठीक है अगर 24 फोर आवर्स तक यहाँ पर इसे कोई शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा ये अपने आप नष्ट हो जाएगा ठीक है ना हम्म hmm, तो ये क्या होगा नष्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बात ये है कि भाई हम निषेचन क्रिया देख रहे हैं हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो हमें इसे यहाँ पर नष्ट नहीं करना है ये हमें पे नष्ट किया था जब हम मेन्स्यूरल साइकिल की बात कर रहे थे पीरियड्स की बात कर रहे थे कि वहां पे हमने स्पर्म्स की बात नहीं करी थी कि वहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे कि भाई हमें उस टाइम जो शुक्राणु थे उनको दूर रखना था अंडाणु से क्यों क्योंकि हमको वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करनी थी कि जो एक लड़की होती है उसको रजोदन कैसे शुरू होता है कहा शुरू होता है कौन से दिन से होता है और क्या होता है ये सब चीजें हमको देखनी थी लेकिन पे हम निषेचन क्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए कि कोई ना कोई स्पर्म यहाँ पर आए ठीक है तो फिर यहाँ पर क्या होगा हम यहाँ निषेचन क्रिया की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर नर के शुक्राणुओं का आना जरूरी है हम्म नर के शुक्राणुओं का आना जरूरी है तो यहां पर अगर नर के शुक्राणु मिल जाते हैं नर के शुक्राणु यहां से आते हैं ठीक है ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स होती है ना लिखते हुए नर के जो शुक्राणु हैं यहां अंदर आएंगे ठीक है कैसे वज़ाइना से जो योनी का योनि जो पार्ट होता है ठीक है वहां से क्या आ रहे हैं अंदर की तरफ आ रहे हैं तो चलो शुक्राणु बना देते हैं हम व्हाइट कलर से क्योंकि जो का कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है क्रीमी वाइट होता है ठीक है तो ये क्या है भाई शुक्राणु बन रहे हैं यहां से अंदर आ रहे हैं ठीक है ठीक है ना ओके तो ये यह शुक्राणु यहाँ से अंदर आ रहे हैं कितने और इनका अमाउंट कितना होता है इनका अमाउंट होता है भाई 200 से लेके 300 सो मिलियन तक ठीक है 200 से 300 सौ मिलियन तक लेकिन पता है आपको यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है अब मैम आपके ट्विस्ट तो खत्म ही नहीं होते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि बेटा हमारी ह्यूमन बॉडी ही ऐसी है ट्विस्ट एक के बाद एक एक के बाद एक, 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 एक खत्म ही नहीं होता है इतना इंटरेस्टिंग है हमारी बॉडी अगर पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा ठीक है तो यहां पर ट्विस्ट क्या है कि भाई जो तुम्बिका पोर्शन है ये जो तंबिका पोर्शन है यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने रह जाते हैं शुक्राणु सिर्फ 200 से 300 के बीच में कितने रह जाते हैं आ, 200 से 250 ठीक है 200 से 250 शुक्राणु रह जाते हैं सोचो मिलियंस में थे और सिर्फ कितने रह गए 200 से 250 सौ गए बाकी सारे है ना कितनी अमेजिंग हमारी ह्यूमन बॉडी सोचा आपने सोच के देखो अमेजिंग है कि इतने मिलियंस नंबर में निकले थे स्पर्म्स लेकिन वो जो एम्पुला पोर्शन है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वहां तक पहुंचते-पहुंचते कितने रह गए 200 से 250 सिर्फ ओनली और उन 200 से 250 में से भी सिर्फ एक ही ऐसा स्पर्म होगा जो क्या करेगा एक के साथ जाके मिल जाएगा है ना है ना अमेजिंग चीजें हम्म तो फिर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो सोचो कि मादा की बॉडी में बाहर से जब पार्टिकल्स आते हैं ठीक है जो एक फीमेल बॉडी होती है ना ठीक है उसका ये जो आ, ये जो पोर्शन होता है फीमेल बॉडी का ठीक है जब कोई बाहर से पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है ना तो हमारी बॉडी क्या करती है रिएक्ट करती है उस उसपे कि अरे ये हमारी बॉडी में बाहर से क्या आया है अचानक से क्या पार्टिकल्स है ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है अगर वो पार्टिकल अननोन होते हैं तो हमें क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है लेकिन अगर वो नॉन पार्टिकल है हमारी बॉडी जानती है कि अच्छा ये शुक्राणु है स्पॉम्स है तो हमारी बॉडी क्या कर लेगी उसको एक्सेप्ट कर लेगी ठीक है ना तो ओके तो हमारी बॉडी क्या करेगी उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको हमारी बॉडी को पता चल रहा है कि ओके कुछ तो है जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है हमारे शरीर में आ रहा है ठीक है तो क्या होता है कि यहां पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या होती है एक्टिवेट हो जाती है अपने आप ठीक है एक्टिवेट हो जाती है जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से क्या होती है एक्टिवेट हो जाती है कि कहीं कोई अननोन जो है पार्टिकल तो बॉडी में आके फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आके नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है हमारी शरीर को हाँ तो वो सेल्स क्या होंगे यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होता है कि हमको पता होता है कि जो शुक्राणु होता है उसके बाहर क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक पूरी लेयर से बना हुआ होता है, है ना यही हमने बात करी थी ना तो वो क्या होगा जैसे वो यहां पहुंचेगा ना तो यहाँ जो सेल्स एक्टिवेट हो जाती है तो उससे क्या होगा कुछ रिलीज करेंगी वो ठीक है तो वो जो रिलीज करेंगे सिक्रीशियन होगा ना उसकी वजह से वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी नष्ट हो जाएगी और जब वो नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि भाई कुछ जो स्पॉम्स होंगे वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे ठीक है और जो उससे लड़ गए जो फाइटिंग में जीत गए वो आगे बढ़ जाएंगे हम्म जो जीता वही सिकंदर है ना ठीक है तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे कि चलो ठीक है यहाँ पर आधे शुक्राणु तो बाकी हमारे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं ठीक है, है? की वजह से खत्म हो जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है कि भाई मादा के गर्भाशय गर्भाशय का ये रहा मादा के गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं ठीक है वो यहां पहुंचता है ठीक है यहाँ पहुंचता है तो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और ये वहां पर और भी ज्यादा नष्ट हो जाते हैं ठीक है हाँ पर केमिकल रिलीज होता है ठीक है ना तो यहां पर पहुंचते पहुंचते ये जो स्पर्म यहां तक पहुंचे हैं भाई यहां तक पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचते यहां से पहुंच रहे हैं यहां से पहुंच रहे हैं यहां पहुंचते पहुंचते सिर्फ 200 से 250 रह जाते हैं यहां पर और यहां से भी आगे पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचते हैं जब ये इससे मिलते हैं यहां पे भी खूब सारे होते हैं है ना और उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो क्या करता है इसको विभेदित करता है ठीक है इसके अंदर जाता है ठीक है ना ओके okay. चलो ये हमने मेल के बारे में बात करी थी अब अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में हमने क्या देखा था अरे भाई हाँ तो मेल में अगर हम स्पर्म को बनाते हैं ठीक है तो अगर हमें एक स्पर्म को बना रहे हैं तो कैसे बनाएं ये हमारी बॉडी हो गई ठीक है ओके, फिर यहां पे क्या है इस तरीके से स्पर्म बॉडी हो गई है हमारी अब अगर इनके नाम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है भाई ये क्या होता है यहां पे एक्रोसोम होता है एक्रोसोम, ठीक है ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया यानी कि केंद्रक हो गया है. ये क्या थी यहाँ पे ग्रीवा थी ये वाला पार्ट क्या था इसका फिर था यानी कि हेड था ये क्या था पूछ ठीक है और ये वाला पार्ट क्या था यहाँ से यां तक ये था मध्य भाग या मध्य खंड अब इसके अंदर एक और संरचना थी जो पूरा खेल खेलती है इसके लिए सारा काम वही करती है क्या थी इस तरीके से इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है ठीक है ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया जी इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए भाई स्पर्म के लिए कि जब तक यहां एनर्जी नहीं बनेगी तब तक ये क्या करेगा आगे मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा चल ही नहीं पाएगा तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है अब ये जो केंद्रक के, है इसके अंदर क्या है इसके इसका अनुवंशिक क्या है पदार्थ है हाँ यही वो केंद्रक होता है जो मादा के शरीर में जाके वो जो द्वितीय अंडाणु था उससे मिलता है उसके केंद्रक से मिलता है, जो हम अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये यह हो रहा है ओके तो हम जानते हैं भाई कि जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु जो होता है वो क्या करता है शुक्राणु जो होता है वो मादा के शरीर में जाके द्वितीय अंडक के केंद्रक से मिलता है ये चीज हमें यहां पर क्लियर हो गई है ठीक है जो शुक्राणु का केंद्रक है ये शुक्राणु है इसमें केंद्रक है ये केंद्रक जाके क्या करेगा मादा के शरीर में जाएगा वहां पे जो द्वितीय अंडक है लिख देती हूं ताकि कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल द्वितीय अंडक है उसके केंद्रक से जाके मिलेगा ठीक है उसके केंद्रक से जाके मिलेगा अब जब उसके केंद्रक से जाके मिलेगा तो क्या होगा वहां पे निषेचन होगा ठीक है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहां पे होगी ठीक है तो ये यहाँ तक किसी को डाउट सबको क्लियर है यहाँ तक और डाउट है तो क्या करना है आपको डाउट नेट करना है हाँ जी तो चलो देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या रोल प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करता है ये जो स्पर्म होता है शुक्राणु होता है तो क्या करता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ठीक है अगर ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा तो स्पर्म बेचारा चल भी नहीं पाएगा ठीक से है इसीलिए इस एक ऐसा बंदा होता है उनमें से जो कि हमारी हीरोइन के पास पहुंच जाता है ठीक है द्वित्यक अंडक के पास पहुंचता है ठीक है तो इनमें क्या होता है कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में क्या है कौन जीतेगा हा क्या जो जीता वही सिकंदर हम्म तो इसको क्या होता है भाई इसको बहुत स्पीड चाहिए होती है अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि कितनी स्पीड होती है इनमें हम्म ठीक है तो चलो देखते हैं कि भाई इनका स्पीड क्या है चलो ये देखो ये क्या है स्पॉन्स मिलियंस के नंबर में निकले हैं ठीक है निकले हैं ये देखो कितने स्पीड से जा रहे हैं ये देखो ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते है ना टेल देखो इनकी किस तरीके से मूवमेंट करती है ठीक है करते 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 ये दित्य कंडक के पास पहुंच गए तुम्बिका रीजन में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम्म अब आता है निशेषण एवं अंत अन, अंतरोपण ठीक है तो इधर क्या होता है कि भाई अपने को मालूम है जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनके संभोग के दौरान ठीक है यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक मेल और फीमेल में ठीक है नर और मादा के संभोग से है ना यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह उसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट होता है कौन सा होता है पिनस यानी कि शिश्न जो होता है और जो फीमेल पार्ट क्या है वजाइना यानी कि तो जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है फीमेल कॉन्टेक्ट के आने से क्या होता है कि जो योनि मार्ग होता है वहां से क्या होता है हाँ जो गर्भाशय ग्रीवा से होते होते होते, होते ये जो स्पर्म्स होते हैं वो कहा पहुंचते हैं हाँ अरे भाई संभोग से क्या हुआ भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स से अपने ये जो क्या होता है शुक्राणु होते हैं ये स्त्री जो होती है उसके योनी में क्या करते हैं योनी के द्वारा उसके अंदर छोड़ते हैं ठीक है उसके अंदर छोड़ते हैं योनी के अंदर छोड़ते हैं योनी के अंदर ठीक है क्या करते हैं छोड़ देते हैं ठीक है यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम वीर सूचन बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको वीर सूचन वीर सुचन मतलब इनसेमिनेशन इन सेमिनेशन ठीक है अब क्या होता है भाई जो गतिशील शुक्राणु होते हैं ठीक है ठीके? जो गतिशील गतिशील क्या है शुक्राणु है ये क्या कर रहे हैं ये तेजी से तैरते हुए क्या करते हैं गर्भाशय की ग्रीवा की ओर भागते हैं है ना कहा भागते हैं ये? गर्भाशय गर्भाशय ग्रीवा की ओर भागते हैं ठीक है और वहां से होके कहा पहुंचते हैं ये हाँ गर्भाशय में पहुंचते हैं गर्भाशय में पहुंच गए जी अब गर्भाशय में तो ये प्रवेश कर गए लेकिन कहां पहुंचते हैं वहां तो एंट्री मार ली इन्होंने तो गर्भाशय के कौन से रीजन में तुम्बिका और ये तुम्बिका कहा होता है तुम्बिका कहा होता है अंडवाहिनी में होता है तो ये वहां पहुंच जाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि भाई जो अंडाशय द्वारा मोचित आ, क्या होता है अंडाणु हा अंडाशय के द्वारा अंडाशय के द्वारा मोचित अंडाणु ठीक है ये क्या मिलता है ये भी कहा है तुम्बिका पोर्शन में मिलता है ये भी कहा है तुम्बिका पोर्शन में पहुंच जाता है जहां पर क्या होता है निषेचन की क्रिया होती है ठीक है यहां पर क्या होती है निषेचन की क्रिया होती है ये रहा हमारा निषेचन ठीक है अब ये निषेचन जो है तभी हो सकता है भाई जब एक नर और एक मादा के क्या होते हैं नर और मादा के जो है युग्मक नर और मादा का मतलब नर का क्या होता है शुक्राणु और मादा का क्या हुआ अंडाणु ये दोनों जब मौजूद होंगे सिर्फ तभी निषेचन हो सकता है अगर इन दोनों में से एक भी वहां मौजूद नहीं है तो वहां निषेचन नहीं होगा और यही रीजन है बहुत बार कि जो लेडीज होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं ठीक है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं कि हो सकता है कि वहां पे अंडाणु मौजूद हो और, और वहां पे कोई शुक्राणु ना हो या हो सकता है वहां शुक्राणु आ जाए और कोई अंडाणु ना मिले हम्म तो यही कारण है कि जिससे क्या होता है सभी संभोग क्रियाएं जो है संपन्न नहीं हो पाती हैं ठीक है तो हम इसको लिखेंगे कि भाई एक निशेचन के लिए क्या चाहिए निशेचन जो है फर्टिलाइजेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब वहां पर जब वहां पर नर का क्या होता है शुक्राणु ठीक है नर का क्या हुआ शुक्राणु ठीक और मादा का क्या हुआ या स्त्री का क्या हुआ अंडाणु क्या हो एक ही समय पर मौजूद हो मौजूद हो ठीक है ओके तो अब यही कारण है कि भाई सभी संभोग क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं सभी संभोग यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ठीक है क्या नहीं हो रही कंप्लीट नहीं हो रही है मतलब संपन्न नहीं हो रही है संपन्न नहीं, हो है। संपन्न नहीं होती हैं। ठीक है ओके और जिससे क्या होता है जब संपन्न नहीं होगी तो भाई निशेचन में क्या नहीं हो रहा है जिससे जिससे क्या होता है भाई अगर नहीं होगा तो जिससे निषेचन भी नहीं होगा हा निषेचन व सगभरता क्या होता है स्थिति में नहीं पहुंचती है स्थिति तक नहीं पहुंचती ठीक है अब क्या होता है भाई अब चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर कि अब क्या हुआ आ, अब शुक्राणु जो होता है ठीक है कौन सा नंबर था चलो यहीं पे देख लेते हैं सेवेंथ, शुक्राणु क्या करता है यहां पर एक क्या होता है इसके, इसमें क्या होता है भाई इसके दौरान एक नहीं आ, आ, गई अब निषेचन के दौरान अरे मिट जा निशेचन के दौरान क्या होता है भाई कि शुक्राणु जो होता है एक शुक्राणु जो होता है एक शुक्राणु वो क्या करता है अंडाणु जो होता है उसके अंडाणु के पारदर्शी पारदर्शी हा पारदर्शी अंडावरण अंडावरण ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा ठीक है क्या बोला हमने उसको जोना पैल्यू सिडा इसका जो लेयर होता है ठीक है जोना सिडा का जो स्तर होता है उसके संपर्क में जब आता है के संपर्क में संपर्क में जब आता है तो क्या होता है हा इसके संपर्क में जब आता है तो जो अतिरिक्त होते हैं हम्म अतिरिक्त शुक्राणु जो होते हैं उनका वहां पे प्रवेश वर्जित हो जाता है ठीक है जो अतिरिक्त शुक्राणु है अतिरिक्त शुक्राणु इनका प्रवेश क्या हो जाता है वर्जित हो जाता है ठीक है मतलब वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं प्रवेश क्या होता है रुक जाता है ठीक है और उसके उक्त स्तर में क्या होता है बदलाव हो जाता है ठीक है तो ये सब क्या था निषेचन एवं अंतरोपण की क्या था ये उसका डिटेल में था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ तो आगे बढ़ते हैं और फिर से हम ये डायग्राम देखते हैं कि ठीक है इस डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास क्या था ये क्या था हमारे पास सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं हम्म ये क्या था हमारे पास सबसे अंदर चलो इसको लिखते हैं ये था द्वितीयक अंडक ठीक है अब इसके बाहर भी एक लेयर मौजूद होती है हमने बात करी थी हाँ इसके बाहर एक लेयर मौजूद होती है इस तरीके से ये लेयर मौजूद हो गई है हम्म क्या कहते हैं इस लेयर को इसे क्या बोलेंगे बताओ ये जो लेयर है क्या बोलेंगे वेलेटाइन लेयर या स्तर ठीक है ये जो लेयर है क्या बोलेंगे इसको वेलेटाइन या स्तर अब ये जो वेलेटाइन होती है इसके बाहर क्या होता है द्रव्य होता है ठीक है इसके बाहर क्या है द्रव्य इसको हम क्या बोलते हैं परी इसको हमने क्या बोला परी पितक ठीक है जो द्रव्य है ठीक है क्या बोला परिपितक बोला ओके चलो ठीक है अब यहां क्या होता है इसके बाहर फिर कौन सी लेयर होती है जोना पेल्यूसीडा ठीक है ये कौन सी हो गई जोना पेल्यूसीडा हो गई जोना पेल्यूसिडा ठीक है ये हो गई जोना पेल्यूसिडा अब ये जो जोना पेल्यूसीडा होती है ना इसके ऊपर क्या होते हैं इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं क्या है ये रिसेप्टर्स हैं इसके ऊपर जिसका यूज मैं आगे बताऊंगी अभी क्या होता है ये क्या है ये रिसेप्टर्स है ठीक है ये क्या है रिसेप्टर्स ठीक है इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं अपन इनको बोलते हैं जेड पी थ्री रिसेप्टर ठीक है जेड पी थ्री रिसेप्टर अब कौन सा कलर उठाया जाए भाई ओके अब यहां क्या होता है ये जो, जो जोना पेल्यूसिडा है इसके बाहर फिर कौन सी लेयर होती है कोरोना रेडिएटा ठीक है इसके बाहर कौन सी है ये कोरोना रेडिएटा ये कौन सी हो गई अपनी कोरोना रेडिएटा अच्छा लग रहा है ना स्ट्रक्चर बना हुआ थोड़ा थोड़ा कोरोना वायरस जैसा भी लग रहा है ये क्या हो गई कोरो, आ, कोरोना कोरोना रेडिएटा ठीक है ये देखा था अभी तक हमने कि ये पूरा इनका क्या था स्ट्रक्चर था इसका ठीक है अच्छा लग रहा है ना स्ट्रक्चर चलो आगे बढ़ते बोलो कि मैम खुश हो रही है स्ट्रक्चर बना बना के चलो अब ये क्या होता है कि भाई ये कोरोना रेडिएटर जो होती है किससे बनी हुई होती है जो कणिकाई कोशिकाएं उससे बनी हुई होती है ठीक है हम्म ये अब क्या होता है भाई कि अब हम जानते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं ना स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं बहुत सारे क्वांटिटी में होते हैं बहुत सारी क्वांटिटी है बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं ये बात हम जानते हैं है ना अब क्या होता है कि भाई ये स्पर्म्स आते कहाँ से हैं ठीक है ये आए आए मतलब ठीक है इसके अंदर अंद में जो है स्पर्म्स कहाँ आएंगे जो इतनी सॉरी क्वांटिटी में कहाँ कहां आएंगे हा? कहा आएंगे बताओ कहा आएंगे जल्दी जल्दी बताओ हम्म कहां पर आते हैं स्पर्म से अभी मैंने पिछले पेशे बताया था ये आएंगे अंडवाहिनी के तुम्बिका पार्ट में ठीक है तुम्बिका पार्ट में ठीक करेक्ट बिल्कुल हाँ ओके अब क्या होता है हम जानते हैं कि भाई ये जो स्पर्म्स होते हैं इनके पास क्या है? होता है अपना केंद्रक होता है स्पर्म के बाद क्या है अपना केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस ठीक है और इनको क्या होता है बहुत ज्यादा फास्ट जाना होता है इनको कंपटीशन करना होता है कि कौन सबसे पहले जाके किससे मिलेगा किससे मिलेगा हीरोइन से मिलेगा हमारी हीरोइन कौन थी हम्म जो का पार्ट में ऑलरेडी वेट कर रही है कौन थी द्वितीय अंडक ठीक है ओके ठीक है अब क्या होता है भाई ये क्या करते हैं जो सबसे फास्ट अंदर जाएगा मतलब सबसे पहले जो यहां एंट्री मारेगा ठीक है अगर सपोज करो मैं इसमें समझाती हूं ठीक है चलो ये स्पर्म है ठीक है थीके? ये स्पर्म है देखो इस तरीके से स्पर्म है ये सब ठीक अब ये देखना है कि भाई इन सब में से सबसे फास्ट कौन जाएगा अब आप बोलोगे मैम ये तो सारे ही आपने ऐसे कर दिए अपने को तो पता भी नहीं चल रहा है कौन सा स्पर्म है तो लो मैं इसके अंदर रेड कलर कर देती हूँ ठीक है अब पता चल जाएगा कि ये स्पर्म है ठीक है ये इस तरीके से रेस लगाएंगे कि कौन सबसे पहले अंदर जाएगा तो हो सकता है कुछ इस तरीके से बाहर हो ठीक है और ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ अंदर घुस गए हो ये घुस गए यहाँ पर ठीक है तो इसके अंदर भी मैं कलर कर देती हूँ ये आपको दिखाई दे जाएगा कि अच्छा ये यह यहाँ पर घुसे हुए हैं इस तरीके से ये घुस गए ठीक है एक और बनाती ताकि आपको पता चल जाए कि ठीक है चलो ये यह यहाँ से अरे रबड़ कैसे आ गई हम्म ठीक है अभी क्या की देखो ये यहां से पहुंचा इस तरीके से ये इसके अंदर पहुंच गया है ठीक है उफ, ये यहां पहुंच गया अब इसके अंदर मैं रेड कलर का इसने क्या किया ये जो लेयर थी कौन सी लेयर थी ये वाली हाँ जोना पेल्यूसिडा इसने जोला क्या कर दिया क्रॉस कर दिया तोड़ दिया यहां से ठीक है क्या कर दिया इसने ये जो जोना पहले थी इसको यहां पर इसने क्या कर दिया यहां से ब्रेक कर दिया अब यहां पर क्या हमने बात करी थी कि, कि किसकी वेलेटाइन की लेयर होती है ठीक है यहां पर क्या है वेलेटाइन लेयर है ठीक है वेलेटाइन लेयर उसको ब्रेक कर दिया ठीक है और ब्रेक करके क्या होगा जो शुक्राणु होगा ठीक है शुक्राणु में क्या होता है सबसे ऊपर यहाँ पे एक्रोजोम होता है हुँ? कि अगर ये शुक्राणु का मुंह है ठीक है इस तरीके से तो यहां क्या होता है ये एक्रोजोम होता है एक्रो ये जो एक्रोजोम होता है ना इसमें क्या होता है इस एक्जोम में क्या होता है स्पर्म क्या होता है स्पर्म लाइसिंग क्या होता है इंजाइम होता है एक ठीक है होता है क्या करते हैं ये ये अंडाणु का जो लेयर होता है ना ये जो अंडाणु का लेयर है उसको ब्रेक करने का काम करता है है ये वाला ठीक जो कहा मौजूद होता है इसके एक्जोम में मौजूद होता है ये अंडाणु की जो लेयर होती है ना उसको क्या करता है ब्रेक करने का काम करता है ठीक है ओके अभी क्या करेगा जी इसको ब्रेक कर देगा ठीक है और ये क्या करेगा हम जानते भाई हमने यहाँ लिखा कि स्पर्म के पास क्या है केंद्रक मौजूद है अब जब ये इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा कि ये जो दित अंडक है इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ठीक है इसके पास भी क्या है अपना न्यूक्लियस मौजूद है है ना हो सकता है इसका न्यूक्लियस ये रहा ठीक है ये जो है अपना न्यूक्लियस यहाँ छोड़ देगा ठीक है ये अपना न्यूक्लियस यहाँ छोड़ देगा ये यहां पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच जाएगा ये ठीक है ये यहाँ पहुंच जाएगा और अपना न्यूक्लियस इसने यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ये छोड़ दिया इसने अपना न्यूक्लियस ठीक है अब इसने जब यहां पर अपना न्यूक्लियस छोड़ दिया है अंडक के पास ये आ गया है तो यहां पर क्या होगा फास्ट पॉलीस्पर्मी होता है ठीक है फास्ट पॉलीस्पर्मी ठीक है यानी कि बहु शुक्राणुता बहु शुक्राणुता क्या होता है जब हमारे पास बहुत सारे शुक्राणु मौजूद होते हैं एक अंडे को विभेदित करने के लिए ठीक है एक अंडे को विभेदित करने के लिए जब बहुत सारे शुक्राणु मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे अपन तो उसको बोलेंगे हम बहु शुक्राणुता ठीक है ओके चलो अब एक बार एक काम करते हैं ये दो प्रोसेस होते हैं ठीक है एक क्या होता है कि क्या बोलते हैं फास्ट क्या बोल रही फास्ट ठीक है दूसरा क्या होता है स्लो ठीक है एक बार वो भी देख लेते हैं क्या होता है ठीक है तो जो पहला शुक्राणु होता है ना ठीक है अच्छा ये चीज को जान लेना कि जो पहला शुक्राणु मतलब ये जो पहला शुक्राणु ये अंदर आ गया है ना यहां पर ये क्या करेगा यहाँ आकर हाँ ये यहाँ आकर क्या करेगा जो ये बहुशुक्र शुक्र बहु शुक्राणुता है ना उसको वहां पे स्टॉप कर देता है मतलब ये कहता है अब मैं यहाँ आ गया हूं अब मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा यहाँ अब मेरा राज चलेगा ये ये बोलता है ठीक है तो ये क्या करता है ये जो बहु बहुता बहु शुक्राणुता होता है ना इसको रोक देता है ठीक है इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता है कि अब बस कोई नहीं मैं तो बस मैं ठीक है चलो अब थोड़ा सा थो समझ लेते हैं ठीक है अब ये जो क्या होता है बहु शुक्राणुता ठीक है ये जो होता है क्या होता है ये दो तरीके से होता है एक क्या होता है भाई अपना फास्ट क्या हुआ पॉलिस ठीक है एक क्या हो गया फास्ट पॉलिस ठीक है दूसरा क्या होता है स्लो पॉलिस ठीक है दूसरा गया स्लो पॉलिसपरमी तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस चलते हैं एक फास्ट होता है एक स्लो होता है हम्म तो चलो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में स्लो में क्या होता है स्लो में क्या होता है कि हमें मालूम है कि भाई जो न्यूक्लियस है ठीक है जो न्यूक्लियस जो है किसका स्पर्म का ठीक है न्यूक्लियस ये क्या काम करता है भाई अंडाड़ू में ये आता है ये कहां आया अंडाड़ू में आया ठीक है केंद्र जो है अंडाणु में आया इसके अंडाणु में आने से क्या हो रहा है केमिकल रिलीज़ हो रहा है है ना केमिकल रिलीज करेगा ये ठीक है चलो ठीक है यहां केमिकल रिलीज हो गया अब कौन करता है जोना पेल्यूसिडा करता है ठीक है कौन सा ये करता है जोना पेल्यूसिडा थ्री रिसेप्टर ठीक है क्या करेगा जब वहां पे ये न्यूक्लियस जो है अंडाणु में आता है तो वहां एक केमिकल रिलीज होता है ठीक है वो क्या करता है वो सिग्नल भेजता है किसको जोना यानी कि ZP, तो उस रिसेप्टर का नाम क्या है जेड पी थ्री ठीक है तो ये जोना पेलिसिडा को क्या करता है बच्चा ये वहां पे एक सिग्नल भेजता है कि भाई एक अनवांटेड चीज है जो आपके अंदर आने की कोशिश कर रही है तो आप मुझे बताओ कि मैं इसको भेजू अंदर या नहीं भेजू हु? आजकल घरों में वो कैमरे नहीं लगे हुए कि आप बाहर से खड़े होकर बैल बजाते तो अंदर से दिखाई देता है, कि अच्छा बाहर कौन खड़ा है अगर आपको लगता है हमारा नोन है तो हम ऊपर से ही जो है अंदर कमरे से ही वो प्रेस कर देते तो गेट खुल जाता है, है ना बिल्कुल सेम चीज वही है कि भाई ये केमिकल क्या रिलीज करेगा केमिकल रिलीज होता है ये क्या बोलेगा कि भाई देखो आप देख लो कि अगर काम की चीज है तो अंदर आने तो वरना बाहर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दो नष्ट कर दो हम्म ठीक है तो ये जो, जो जोना पैलोस रिसेप्टर होता है इसकी एक खास बात होती है कि ये जो स्पर्म है, होता है शुक्राणु होता है ठीक है उसको पहचानता है ठीक है तो इसीलिए सिर्फ यहां तक मतलब अंडाणु तक कौन पहुंच सकता है एक मनुष्य का ही स्पर्म पहुंच सकता है मेल स्पर्म पहुंच सकता है उसके अलावा कोई भी नहीं ठीक है किसी दूसरे का स्पर्म नहीं पहुंच सकता ठीक है सिर्फ और सिर्फ मेल का ह्यूमन बींग्स में ठीक है ठीक है तो ये यहां पर पहुंच जाएगा फिर ये क्या करेगा इसको स्टॉप कर देगा ठीक है और इसको स्टॉप कर देगा तो क्या होगा ये कह देगा बस अब मैं अंदर आ गया हूं ये केंद्रक बोलेगा अब मैं अंदर आ गया हूं तो कोई दूसरा अंदर नहीं आएगा ये मेरा घर है अब तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है ये थोड़ी स्लो प्रोसेस चलती है ठीक है अगर हम वही बात फास्ट की करते हैं तो फास्ट में क्या बात करी थी हमने ओके तो यहाँ पे द्वितक अंडक जो था यहाँ पे क्या था द्वितक अंडक ये था ठीक है यहां क्या हुआ भाई इसके अंदर क्या के आएगा केंद्रक ठीक है केंद्रक आया इसके अंदर ठीक है इसके अंदर केंद्रक आया इसके अंदर केंद्रक, केंद्रक आया तो क्या हुआ कि जो ये जो वेलेटाइन परत थी ठीक है ये कुछ केमिकल रिलीज करेगी यहां पे क्या करेगी केमिकल रिलीज करेगी ठीक है केमिकल रिलीज करेगी तो क्या होगा जो दूसरी लेयर है हा? जो दूसरी लेयर है 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 वो क्या हो हो जाती जाती बंद ठीक है बंद हो, हो जाएगी हो जाएगा उसका बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है भाई कि दूसरा शुक्राणु अंदर आ ही नहीं पाएगा ये क्या होता है ये बहुत फास्ट चलता है प्रोसेस वो बहुत स्लो चलता है ठीक है ओके तो ये सब ये था हम्म ठीक है अब अब क्या होता है भाई अगर हम चलो बात करते हैं कि तब एक शुक्राणु अंदर आ जाता है देखो इस तरीके से ये क्या है? एक शुक्राणु है देखो ये किस तरीके से क्या कर रहा है हुँ? ये उसको क्या कर रहा है इसके अंदर जाने कोशिश की कोशिश कर रहा है कितने सारे शुक्राणु ये क्या है अंडक है हम्म और ये क्या है अपना स्पर्म है ये इसको विभेदने की कोशिश कर रहा है ठीक है ओके ये देखो ये आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ये देखो स्पर्म अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं है ना ओके ये भी सेम चीज है वही कि इतने सारे स्पर्म्स जो है नंबरों में होते हैं ठीक है ठीके? चलो आ, एक और चीज एक और चीज दिखाती हूं हम्म यही है ये देखो ये देखो ये एग निकला अंडाड़ू निकला है ना ये निकला देखो यहां से कहा स्पर्म्स आए उधर से खूब सारे ठीक है स्पर्म्स अंदर आ रहे हैं बॉडी के देखो कितनी फास्ट आ रहे हैं है ना ये ये देखो ये सारे स्पर्म्स क्या कर गए रुको फिर से दिखाती हूँ देखो ये सारे स्पर्म्स ऐसे चिपके हुए हैं ठीक है ठीक है, के ये एक स्पर्म है देखो, जो सिर्फ अंदर तोड़ के ये इसके अंदर आ गया है देख रहे हो आप कितने खूबसूरत ये देखो ये माइट्रोकॉन्ट्रिया है ये इसका क्या है यानी न्यूक्लियस ये द्वितीयक अंडाणु था जिससे ये मिल गया ठीक है फिर से देखो आप जाए इस तरीके से ये निकला ठीक है कहा फिमरी में जाएगा फिमरी इसको पकड़ लेगी ठीक है और कहा फिर पहुंचेगा धीरे धीरे ये तुम्बिका रीजन में एम्पला में पहुंचेगा है ना अब ये देखो कितने सारे स्पॉम सिर्फ एक अंडाणु के ऊपर चिपके हुए देख रहे हो आप हाँ कितने सारे इनमें से सिर्फ एक अंदर जाएगा जो इसको विभेदित करेगा सिर्फ एक ये देखो ये वाला घुस रहा है इसके अंदर देखो यहां से गुस्सा ये क्या है इसका ये एक्रोजोम लेयर थी ऊपर जिसमें क्या थे? था इंजाइम था हाँ इंजाइम था और ये क्या है इसका ये क्या है इसका केंद्र है ये देखो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है है ना आपको हम्म ठीक है. देखो इस तरीके से ये अंदर गया इसने अपना केंद्र अंदर छोड़ दिया ये आ गया ये कहा देखो ये दूसरे केंद्र से मिल गया जाके किसके केंद्रक से मिल गया द्वितीय अंडक के केंद्र से ठीक है ओके चलो अब एक और चीज देख लेते हैं कि भाई एक शुक्राणु जब अंदर आता है तो क्या होता है हा? ये देखो इस तरीके से ये क्या है इसके अंदर ये एक शुक्राणु का केंद्रक के, है ठीक है शुक्राणु का केंद्रक के है ये शुक्राणु का केंद्रक ठीक है ये क्या है शुक्राणु का केंद्रक कि स्पर्म का न्यूक्लियस है ठीक अब क्या होगा यही कहीं क्या होगा भाई ये अगर सपोज करो ये क्या है ये अंडक का केंद्रक है ठीक है ये द्वितीय अंडक का केंद्रक है द्वितीय अंडक का केंद्र अब ये क्या करेगा ये एक छोटी सी इसकी जो कोशिकाएं होंगी ना इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगे कि छोटी सी बॉडी बनाएंगी, ठीक है? छोटी बॉडी बनाती है ठीक है चलो किससे बनाए ये देख तो ये क्या करेगी एक छोटी सी बॉडी बनाएगी ठीक है इस बॉडी को क्या बोलेंगे द्वितीय ध्रुवीय पिंड ठीक है द्वितीय ध्रुवीय पिंड ठीक है ये क्या बनाएगा द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनाया इसने चलो ठीक है अब क्या होगा हम्म तो कौन सा कलर उठाएं ओके चलो अब ये जो था द्वितीय अंडक केंद्र यहां पे क्या होगा भाई यहां पर जो अर्ध सूत्री विभाजन रुका हुआ था स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम निषेचन की बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ कि जो अर्धसूत्री विभाजन था अर्ध सूत्री विभाजन ये क्या हुआ भाई स्टार्ट हो गया ठीक है स्टार्ट हो गया अब स्टार्ट हो गया तो इसने क्या किया दो कोशिका बनाई एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका ठीक है अर्ध विभाजन से दो कोशिकाएं बन गई ठीक है दो कोशिका एक छोटी एक बड़ी बन गई ठीक है अब ये जो बड़ी कोशिका होती है ठीक है इसने दो बनाई ये छोटी ये बड़ी अब ये जो बड़ी कोशिका होती है ठीक है इसको मैं अलग दिखा देती हूं जो बड़ी कोशिका होती है ये क्या कहलाता है ओवम कहलाता है ये जो कोशिका है क्या कहलाएगा ओवम कहलाएगा ठीक है ओवम कहलाएगा और क्या होगा शुक्राणु के साथ ये ही मिलता है ये क्या करता है शुक्राणु के साथ मिलता है शुक्राणु के साथ मिलता है ये ठीक है हाँ तो ये जो ओवम है यही क्या करता है शुक्राणु के साथ मिलता है और क्या बनाता है फिर युग युग्मनज युग यानी कि जायकोट ओके चलो इसको एक तरीके से और देखते हैं ठीक कि भाई एक अंडाणु प्लस शुक्राणु अगर हम अंडाणु की बात करते हैं अंडाणु ठीक है प्लस शुक्राणु ये दो चीजें हैं हमारे पास है ना ये दो चीजें हैं अब ये अंडाणु क्या होता है ये भी अगुणित होता है शुक्राणु ये भी अगुणित होता है ठीक है ये दोनों क्या है अगुणित है अब ये दोनों जब मिलेंगे इन दोनों का जब निशेचन होगा तो क्या होगा क्या बनेगा यहां बनेगा युग्मनज हम्म ओके चलो हम युग्मनज दूसरे कलर से लिखते हैं युग्मनज ठीक है यानी कि जाइगोट ठीक है अब ये जाइगोट क्या होगा लेकिन ये होता है अपना 2n ये क्या हुआ टू एन हुआ है ना तो इसका मतलब ये है भाई कि हम कह सकते हैं कि जो अंडाणु है यानी कि जो आपकी आपको क्या है कि भाई इस अंडाणु के पास क्या है ट्वेंटी थ्री गुणसूत्र है इस शुक्राणु के पास ट्वेंटी थ्री गुणसूत्र है ठीक है यानी कि हम में क्या होता है जो तेईस गुणसूत्र यानी तेईस क्रोमोजोम है 23 हमारी माँ से मिलते हैं और तेईस किससे मिलते हैं हमारे पिता से मिलते हैं तो ये तेईस किससे मिल रहे हैं हमें माता से मिल रहे हैं और ये तेईस हमें पिता से मिल रहे हैं इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं बताओ ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री कितने हुए फोर्टी सिक्स ये फोर्टी सिक्स गुणसूत्र है ये इस जाइगोट को मिल रहे हैं आधे माता से और आधे अपने पिता से मिल रहे हैं ठीक है तो बच्चा लोग ये आज की क्लास थी ठीक है मुझे लगता है कि इस समझने में आपको मजा तो आया होगा इतनी बोरिंग क्लास नहीं थी जब मुझे ही समझाने में इतना मजा आ रहा था तो क्या आपको नहीं आया होगा हम्म बताओ बताओ नहीं आया चलो इसको एक बार देख लेते हैं समझो जो 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 मैंने अभी डायग्राम से बनाया है ना वो चीज यहां मैंने लिखी है ठीक है इस प्रकार सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है मतलब एक एग के साथ सिर्फ एक स्पर्म ही क्या करेगा फर्टिलाइजेशन करेगा ठीक अग्रपिडक का जो श्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु की कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ती में प्रवेश करने में मदद करता है ठीक है स्पर्म के बाहर क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है है ना वो क्या करती है वो हेल्प करती है ना उसको आगे जाने के लिए हम्म अब द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है मतलब स्टार्ट कर देता है ठीक है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड यानी कि सेकेंडरी पोलर बॉडी मैंने क्या कहा था दो कोशिकाएं बनाता है एक छोटी और एक बड़ी है ना तो ये वही उसी की बात हो रही है बनाते हैं और एक अगुणित अंडाणु बनता है क्या बोला उसको ओवम बोला हमने ठीक है जल्दी ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है यानी कि फ्यूजन हो जाता है ठीक है दोनों मिल जाते हैं और क्या होता है जिसकी वजह से द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायकोड बन जाता है यही देखा था हमने लास्ट से भी है ना चलो ठीक है फिर यहाँ पे क्या पढ़ा आज हम लोगों ने हमने क्या पढ़ा हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ा ठीक है कि ठीक है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसका और इम्प्लान्टशन कैसे होता है ये आज की क्लास के बारे में था और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा हम्म आया है ना समझ में अगर समझ में आया ना तो जल्दी से यस लिख दो हम्म और वीडियो को लाइक कर देना बहुत मेहनत की है समझाने में हाँ चलो ठीक है हाँ आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करो अच्छे से पढ़ो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने और समझने में ठीक है नहीं समझ में आता है दोबारा जाओ दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखो समझ में आ जाएगा और कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ दो ओके फिर बच्चा लोग मैं चलती हूँ और फिर जल्दी ही वापस भी आती हूँ आपके लिए एक और मजेदार नया टॉपिक लेके ठीक है तब तक आप लोग खुश रहिए अच्छे से रहिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए हाँ और ऐसे ही अपना प्यार वीडियोस पे दिखाते रहिए ठीक है जो ओके बच्चा पार्टी मैं चलती हूँ आप लोग एंजॉय करो टाटा बाय बाय ठीक है और मेरे नेक्स्ट क्लास में आने का वेट करो